तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल वी की स्टोरी को मूवी वर्जन में देखने वाले हैं। ड्रैगन बॉल वी ड्रैगन बॉल काकुमी की तरह ही वेजिटा की सडाला जर्नी को फॉलो करती है और कैसे जाके वहाँ पर वेजिटा साइंस की मदद करता है और उन्हें ट्रेन करता है। ड्रैगन बॉल वी एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है जिसे लिखा है जॉर्डन डुरहम ने और ड्रॉ किया है मॉन्टी ब्लैक ने। दोनों से जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करें अपने मूवी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 8785 में धरती पर और इसके बाद हम गोकू, पेन और रूप को देखते हैं। गोकू रूप के घर वालों से बात कर रहा होता है और बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। और इसके बाद वो अपनी फैमिली से बोलता है कि आपको मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। इसके बाद गोकू, पेन और रूप वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग कामी लुकआउट पर जाते हैं। रूप कामी लुकआउट को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये जगह तो कमाल की है, वो यहाँ पर पहली बार आया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पर लैंड करते हैं। गोकू रूप को बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं। वो बोलता है अच्छा, तो आपका ये प्लान है, यानी कि यहाँ पर मेरी स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है। गोकू बोलता है कि हाँ, तुमने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है, पर मैंने रियलाइज़ किया है कि तुम मेरे खिलाफ लड़ते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हो, इसीलिए मेरे पास तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए एक प्लान है। मेरा प्लान यह है कि तुम्हें एक ऐसे अपोनेंट की जरूरत है जो तुम्हें मारने में बिल्कुल भी ना डरे। तुम जल्द ही उससे मिलने वाले हो जो कि तुम पहले हुआ करते थे। रूप कुछ समझ नहीं पाता, पर हम जानते हैं कि गोकू किडबू के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू रूप और मिस्टर पोपो के साथ एक रूम में जाता है। इस रूम का नाम होता है द टाइम रूम। इस रूम का इस्तेमाल होते हुए हमने ड्रैगन बॉल में भी देखा है, पर वो काफ़ी शुरुआत की बात है। रूप भी इस रूम को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। गोकू रूप को बताता है कि ये एक ऐसा रूम है जिससे आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हो और समय में पीछे जा सकते हो। आप असलियत में समय में पीछे नहीं जाते हो, बल्कि वो एक इल्यूजन होता है, पर वो काफ़ी हद तक असली फील होता है। गोकू रूप से बोलता है कि मैंने नोटिस किया है कि जब तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हो तो तुम्हारे अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, पर मैं इससे हैरान नहीं हूँ क्योंकि तुम अपने पिछले जन्म में काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले शख्स थे। पर दिक्कत की बात यह है कि अभी तुम्हारी उस एनर्जी पर कंट्रोल नहीं है। रूप समझ जाता है कि गोकू क्या बोलना चाहता है। गोकू बोलता है कि अभी मैं और मिस्टर पोपो तुम्हें और पेन को एक लेसन देंगे, जिसके बाद तुम अपनी उस इंकारनेशन से मिलोगे जो तुम अपने पिछले जन्म में थे। अगर इस दुनिया में कोई है जो तुम्हारी छुपी हुई ताकतों को बाहर निकाल सकता है तो वो है तुम्हारी पिछली इंकारनेशन। इसके बाद मिस्टर पोपो रूप और पेन से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों तैयार हो, और इसके बाद उन दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि पेन और रूप बैठे हुए होते हैं। इस वक्त उनकी वो ट्रेनिंग चल रही है जिसमें वो पत्थर से भी मजबूत होना सीखते हैं। इसके बाद उनकी दूसरी ट्रेनिंग चालू होती है जिसमें वो बिजली से भी तेज होना सीखते हैं। हम देखते हैं कि पेन और रूप दोनों बहुत बुरी तरीके से थके हुए होते हैं। मिस्टर पोपो बोलते हैं कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग का फाइनल पार्ट है, इस ट्रेनिंग को शुरू करने के लिए मुझे तुम्हारे सर के एक बाल की जरूरत है। हम देखते हैं कि वो रूप के एक बाल को तोड़ते हैं। पेन तभी एकदम से गोकू के पास जाती है। वो बोलती है, ग्रैंडपा, मैं बहुत बुरी तरीके से थकी हुई हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बालों को तोड़े। गोकू बोलता है कि ठीक है पेन, कोई बात नहीं, तुम नहीं चाहती तो तुम्हें ये ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मिस्टर पोपो वो करना शुरू कर देते हैं जो रूप के बालों से वो करने वाले थे। गोकू मिस्टर पोपो के पास जाता है और बोलता है, मिस्टर पोपो, मैं काफ़ी बोर हो रहा हूँ, क्या आप मेरे लिए भी एक कॉपी बना सकते हैं? मिस्टर पोपो बोलते हैं, गोकू, मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेगा क्योंकि तुम्हारी ताकत का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। गोकू मिस्टर पोपो से रिक्वेस्ट करने लग जाता है और बोलता है, प्लीज़ मिस्टर पोपो, हो सकता है ये वही चीज़ जो मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनाने में मदद करे। मिस्टर पोपो बोलते हैं, गोकू, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी बदलोगे। चलो ठीक है, पर तुम्हारे लिए एक कॉपी बनाने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। गोकू बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। इसके बाद हम ऊप के जैसे दिखने वाली एक डॉल को देखते हैं। उसके चेहरे पर एक मास्क होता है। मिस्टर पोपो बोलते हैं कि अगर तुमने इस डॉल को एक पंच मार दिया तो ये डॉल वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी। हम देखते हैं कि रूप और वो डॉल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। रूप एकदम से डॉल पे हमला करना शुरू कर देता है, पर इससे पहले कि वो डॉल को टच भी कर पाए, डॉल उसके चेहरे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारती है। मिस्टर पोपो बोलते हैं कि डॉल अपने इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करती है और सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट पे लड़ती है, इसीलिए वो अपने अपोनेंट के खिलाफ सबसे इफेक्टिव और डेडली टेक्निक्स का ही इस्तेमाल करती है, वो भी ऑटोमेटिकली। जैसे ही रूप को ये ज़बरदस्त पंच पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। गोकू बोलता है कि ये वही है, रूप की छुपी हुई ताकत। तभी रूप बहुत ज़्यादा गुस्से में डॉल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर एक बार फिर से रूप डॉल के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। डॉल एकदम से रूप की तरफ बढ़ती है और उसके सर पर पैर रखती है और उसके सर को ज़मीन के अंदर कुचल देती है।
मिस्टर पोपो बोलते हैं कि ऊब, तुम कितनी जल्दी अपने सीखे हुए लेसन्स को भूल जाते हो। गोकू समझ जाता है कि मिस्टर पोपो किस बारे में बात कर रहे हैं और ऊब को कुछ समझ नहीं आता। मिस्टर पोपो बोलते हैं कि ऊब, अपने दिमाग को शांत करो, अपने दिल को शांत करो, लाइटनिंग की तरह तेज़ बनो और पत्थर की तरह मजबूत बनो, अपने माइंड को क्लियर करो और अपने इमोशनल आउटबर्स्ट को कंट्रोल करो। ऊब बोलता है कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि इतना करते करते डॉल एकदम से ऊब पे हमला करना शुरू कर देती है। ऊब चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा रहता है, पर अचानक से ही वो अपनी आंखों को खोलता है। जैसे ही ऊब की आंखें खुलती हैं, ये बात क्लियर हो जाती है कि ऊब ने एक नई ताकत को पा लिया है। जैसे ही डॉल ऊब पे हमला करती है, ऊब अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और एक ही झटके में डॉल को इतनी ज़बरदस्त किक मारता है कि उसका सर अलग हो जाता है। जैसे ही ऊब डॉल को किक करने में कामयाब होता है, वो डॉल तभी के तभी गायब हो जाती है। मिस्टर पोपो ऊब की इस नई ताकत को देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। गोकू और पेन भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। गोकू बोलता है कि क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। मिस्टर पोपो बोलते हैं कि उसके इमोशंस और पावर कंट्रोल करने की वजह से लगता है कोई बहुत ज़्यादा अजीब सा साइड इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से उसने अपनी छुपी हुई ताकतों के एक ऐसे लेवल को पा लिया है जो हमने पहले कभी नहीं देखा था, यानी जिस लेवल को वो पहले कभी अचीव नहीं कर पाया था। गोकू बोलता है, ऊब तुम तो कमाल हो, आखिरकार तुमने कर दिखाया, लगता है तुम टाइम रूम के लिए तैयार हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग पेन को वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं और मिस्टर पोपो बोलते हैं कि हाँ, अब ऊब अपने आप को टाइम रूम में संभाल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर पोपो और गोकू ऊब को लेके टाइम रूम में जाते हैं। ऊब की थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही होती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया है। तभी गोकू ऊब को देखता है और बोलता है, ऊब चिंता मत करो, अभी जो मैंने तुम्हारी ताकत देखी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो, बस अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना और अपने माइंड को क्लियर रखना। मैं जानता हूँ कि तुम इतने सारा ताकतवर होकर निकलोगे जितने तुम पहले कभी नहीं थे। तभी मिस्टर पोपो टाइम रूम की सेटिंग्स को चेंज करने लग जाते हैं ताकि वो ऊब को टाइम में पीछे भेज सकें। ऊब इसके बाद रूम के अंदर जाता है, तभी वो एकदम से क्लॉक के अंदर चला जाता है। मिस्टर पोपो और गोकू जानते हैं कि ये ट्रेनिंग ऊब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि ऊब एक दूसरी तरफ से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ बू होता है। किड बू इस वक्त सुपर सेंट 3 गोकू के स्पिरिट बम का सामना कर रहा है। किड बू इस वक्त अपने खात्मे के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, पर तभी वो एकदम से ऊब को देखता है। इस समय का गोकू किड बू को मारने से पहले उसके रीइनकार्नेशन की विश मांग रहा होता है। गोकू बोलता है कि तुम अकेले बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ी, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा जन्म एक बारी फिर से होगा एक अच्छे इंसान के तौर पे, ताकि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ एक बारी फिर से लड़ पाएं। तब तक मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखूँगा और तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तभी हम देखते हैं कि ऊब एकदम से गोकू के सर पर आके गिरता है और किड बू को बस इसी समय का इंतज़ार था। हम देखते हैं कि किड बू एकदम से स्पिरिट बम को रोकने लग जाता है। वेजिटा इस चीज़ को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। किड बू जो कि कुछ सेकंड पहले मारे जाने वाला था, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। गोकू ऊब से बोलता है कि ये क्या था। ऊब बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। गोकू ऊब को देखता है और बोलता है कि ये क्या है, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं पे देखा हुआ है। हम देखते हैं कि किड बू एकदम से गोकू पे अटैक करने के लिए आता है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। गोकू जाकर एक चट्टान से टकराता है और एकदम से वो सुपर सैयन 3 के तौर पर बाहर आता है। वो बोलता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि इसकी ताकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गोकू और बू में लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, पर बू काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा होता है। किड बू गोकू को इतना ज़बरदस्त पंच मारता है कि गोकू ज़मीन से जाके टकराता है। इसके बाद किड बू जाके एकदम से गोकू को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को दबाने लग जाता है। किड बू को गोकू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार था। तभी हम देखते हैं कि ऊब को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि मेरे मास्टर को अकेला छोड़ दो, और एकदम से उसकी आँखें काली हो जाती हैं। वो एकदम से किड बू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। किड बू देखता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है और एकदम से ऊब उसके चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। वेजिटा ऊब की ताकतों को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये बच्चा है कौन। हम देखते हैं कि किड बू को उसे एक पंच से बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और उसके गुस्से का पारा फट पड़ता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। एकदम से ऊब गोकू को वेजिटा के पास लेकर जाता है और गोकू को वेजिटा के पास लेटा देता है। ऊब बोलता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एकदम से ऊब किड बू की तरफ देखता है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। किड बू ऊब पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। किड बू और ऊब में बहुत ही बुरी तरीके से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी एकदम से गोकू की आँख खुलती है। वो बोलता है, वेजिटा ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर बू की ताकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ऊब से लड़ रहा होता है। तभी एकदम से गोकू बोलता है कि वो बच्चा कौन है, वो सच में कमाल का है। तभी एकदम से किड बू ऊब को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। बू को लगता है कि उससे ऊब को चोट लगी होगी, और ऊब को उससे ज़रा सी भी चोट नहीं लगी और वो गुस्से में बू को देखने लग जाता है। बू को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी एकदम से ऊब किड बू को हेडबट करता है और किड बू का असर ज़मीन में गड़ जाता है। वेजिटा इन दोनों की ताकत से बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि जितना इन दोनों को गुस्सा आ रहा है, उतनी ही ये दोनों ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। गोकू की हालत काफ़ी ख़राब होती है।
पर फिर भी वो इस फाइट को देख रहा होता है। वो बोलता है कि ये बच्चा तो कमाल का है, ये बू के हर मूव को पढ़ रहा है और उससे सीख भी रहा है। गोकू बोलता है कि इस बच्चे के मूव्स देख के ऐसा लग रहा है कि ये इन मूव्स को पहले से ही जानता है, पर ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है और ये बू से लड़ना नहीं चाहता, ये उसे मारने में डर रहा है। ऊब लड़ते लड़ते काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, पर तभी एकदम से किड बू उसके पास आता है और उसके सर पर बहुत ही ज़बरदस्त अटैक करता है। गोकू समझ जाता है कि इस बच्चे को मदद की ज़रूरत है। वो एकदम से चिल्लाता है, वो बोलता है बच्चे मेरी बात सुनो। ऊब और बू की फाइट के वक्त हम करंट टाइम में वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू की ट्रेनिंग चल रही थी। गोकू के सामने एक बहुत ही कमाल का ओपोनेंट खड़ा हुआ था जो कि उसके DNA से ही बना था। गोकू बोलता है मिस्टर पोबो आप तो कमाल हैं, आपने तो इस बारी कमाल ही कर दिया। एकदम से गोकू कामयाब बनाने लग जाता है और एकदम से वो ये अटैक डॉल पे शूट करता है, पर ये अटैक डॉल के आर पार चला जाता है। डॉल अपने आप को इस अटैक से बचाने में कामयाब हो जाती है। गोकू बोलता है कि ये डॉल तो कमाल की है, जैसा मुझे याद था ये डॉल बिल्कुल वैसी ही है, लगता है काफ़ी मज़ा आने वाला है, हो सकता है इस फाइट के एंड तक मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ज़रूरत भी ना पड़े। मिस्टर पोपो गोकू के पीछे ही खड़े हुए थे। वो बोलते हैं गोकू तुम एक ऐसे ओपोनेंट को चाहते थे जो तुम्हें मारने में बिल्कुल भी ना डरे, और अब तुम्हारे सामने बिल्कुल ऐसा ही ओपोनेंट खड़ा हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि तुम ये रिग्रेट नहीं करोगे। गोकू एकदम से डॉल पर अटैक करना शुरू कर देता है और एकदम से उसके पीछे पहुँच जाता है। वो उसे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारने ही वाला था, पर डॉल एकदम से गोकू पर अटैक कर देती है और ये अटैक की वजह से गोकू बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इससे पहले कि गोकू कहीं पर जाके टकराए, गोकू अपने आप को रोकने में कामयाब हो जाता है। वो बोलता है कि ये डॉल तो सच में बहुत ज़्यादा डरावनी है। डॉल मुड़ के गोकू की तरफ देखती है। पैन मिस्टर पोपो से पूछती है मिस्टर पोपो क्या वो डॉल सच में ग्रैंडपा को हरा सकती है। मिस्टर पोपो बोलते हैं पैन तुम्हारे ग्रैंडपा को एक ऐसा ओपोनेंट चाहिए था जो उन्हें मारने में बिल्कुल भी ना डरे, और आखिरकार उन्हें एक ऐसा ओपोनेंट मिल गया है। हालांकि गोकू इस चीज़ में थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल है क्योंकि वो भी अपने ओपोनेंट से लड़ते हुए उन्हें मारने के बारे में कभी भी नहीं सोचता, वो हमेशा इस हिसाब से लड़ता है कि वो अपने ओपोनेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। इसके बाद हम गोकू के DNA से बनी हुई डॉल को देखते हैं जो डॉल काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही होती है। गोकू एक बार फिर से डॉल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और लगातार जाके उसे पंचेस मारने लग जाता है। डॉल गोकू के हर अटैक से बहुत ही आराम से बच रही होती है और अचानक से ही वो गोकू की गर्दन पे एक बहुत ही ज़बरदस्त कराटे चॉप मारती है। इस अटैक की वजह से गोकू ज़मीन पर गिर जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचता है। गोकू एकदम से अपनी जेब में से सेंजू बीन निकालता है। वो बोलता है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे सेंजू बीन की ज़रूरत इतनी जल्दी पड़ जाएगी। इसके बाद हम फिर से पास में पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू ऊब को कुछ समझा रहा होता है। गोकू बोलता है बच्चे मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या फील कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम हर चीज़ में अच्छा देखना चाहते हो, मैं ये बात भी समझ सकता हूँ कि तुम हर चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट जो कि खुद अच्छा हो और एक अच्छा इंसान भी हो वो एक बुरे ओपोनेंट से बेहतर होता है। इसके बाद गोकू फैट बू की तरफ देखता है और बोलता है कि उसके अंदर जो भी अच्छाई थी मैंने उसे थोड़ा सा चांस दिया और देखो वो वहाँ पर है। अपने दिमाग को आज़ाद कर दो, अपने दिल को भी आज़ाद कर दो, और इस बारे में ज़्यादा बिल्कुल भी मत सोचो, तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो सोचो और तुम्हारे ओपोनेंट की वजह से जो खतरा बन रहा है उसके बारे में सोचो और तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगी। तुम्हारे मन में जो अपने ओपोनेंट को मारने का गिल्ट है और तुम्हारे मन में जो गुस्सा है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। सच बताऊँ अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं इस बू को बचाने की भी कोशिश करता, पर मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। पर ये जीव पूरी तरीके से ईवल है, इसीलिए इस लड़ाई को ख़त्म करना ज़रूरी है। हमने इसे एक बार चांस दे के देख लिया और हम बस इतना ही कर सकते थे। इसे बचाने का बस एक ही तरीका है और वो है दूसरी ज़िंदगी देके। गोकू बोलता है बच्चे मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो। गोकू के इतना बोलते बोलते किडबू एकदम से गोकू और वेजिटा पे एक ब्लास्ट शूट करता है और जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। गोकू और वेजिटा इसमें मारे जाते हैं और किडबू के चेहरे पर एक स्माइल होती है। वो भी एकदम से चिल्लाता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके सामने गोकू और वेजिटा मारे गए, और इसके बाद वो गोकू के बारे में सोचकर रोने लग जाता है। ऊब के शरीर में से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है। वो बोलता है मास्टर जब मैं एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसे बदला नहीं जा सकता था तब भी आप मुझ पर बिलीव करते थे, आप मुझे बेहतर करना चाहते थे, आप मुझे बेहतर बनाना चाहते थे, चाहे वो दूसरी लाइफ के थ्रू ही क्यों ना हो, पर आपकी वजह से ही मैं बेहतर हुआ हूँ। मास्टर आप चाहते हैं कि मैं अपने गुस्से को अलग फेंक दूँ, और मैं एक समय पर जो मॉन्स्टर था आप चाहते हैं कि मैं उसे भी पीछे छोड़ दूँ। तभी हम देखते हैं कि एकदम से फैट बू की आँखें खुलती हैं और एकदम से हम देखते हैं कि ऊब के बालों का रंग बदलने लग जाता है, उसके बालों का रंग वाइट होने लग जाता है। और इसके बाद हम फिर से करंट टाइम में वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू सेंजुबिन खा चुका था, वो अभी भी डॉल से लड़ रहा होता है, पर डॉल से लड़ते वक्त उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। वो डॉल को एक पंच मारने की कोशिश करता है क्योंकि इस डॉल को हराने के लिए सिर्फ एक ही पंच की जरूरत है। गोकू का पंच बस डॉल तक पहुँचने ही वाला था, पर एकदम से वो डॉल गोकू के सामने से गायब हो जाती है और गोकू से थोड़ा सा दूर जाके खड़ी हो जाती है। वो एकदम से पावर अप करती है और एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पैन इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होती है। वो बोलती है कि क्या उस डॉल ने एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। मिस्टर पोपो बोलते हैं हाँ, वो डॉल गोकू की एक परफेक्ट कॉपी है और गोकू की तरह फाइट में अडेप्ट करने के लिए वो अपनी ताकत को नहीं बढ़ाती,
बल्कि गोकू का सामना करने के लिए वो सीधा ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है, ताकि जैसे जैसे गोकू की ताकत बढ़े वो भी अपनी ताकत को बढ़ा सके और गोकू का सामना कर सके। डॉल और गोकू के बीच में फाइट एक बारी फिर से शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर लगातार पंचेस बरसा रहे होते हैं, पर ये बात क्लियर होती है कि डॉल अभी भी गोकू पे हावी है। ये देख के पैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पैन बोलती है कि क्या वो डॉल ग्रैंडपा को मार देगी। जैसे ही पैन ये बोलती है, उस डॉल को बहुत ही ज़बरदस्त किक पड़ती है। इस चीज़ से गोकू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। हम देखते हैं कि ये वेजिटा था। वेजिटा बोलता है, कैकरोट तुमने अभी क्या किया, आखिर तुम अभी किस मुसीबत में पड़ गए हो। हम देखते हैं कि वेजिटा इस डॉल का सामना करने के लिए अपनी सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म में था। गोकू वेजिटा से बोलता है, वेजिटा और बताओ कैसे हो, तुमने तो उस डॉल को बहुत ही आराम से संभाल लिया। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एक बार फिर से अटैक करने के लिए डॉल की तरफ बढ़ता है। वेजिटा बोलता है कि जैसा कि पोपो ने कहा, अगर वो सिर्फ तुम्हारी कॉपी है तो मैं उसे बहुत ही आराम से संभाल सकता हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम एक सेंसुबिन खा लो, उससे तुम थोड़े बेहतर हो जाओगी। जैसे ही वेजिटा डॉल के पास पहुँचता है, उसके चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त पंच पड़ता है और इसके बाद हम डॉल की बेजान आंखों को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा को इस अटैक की वजह से काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है। वो बोलता है कि ये क्या है, ये अजीब सी डॉल तो कैकरोट की तरह बिल्कुल भी फाइट नहीं करती, इस डॉल ने तो मुझे तकरीबन मार ही दिया था। वेजिटा बोलता है कि बस इतना ही नहीं, ये डॉल तो सुपर सैयन गॉड की ताकतों का इस्तेमाल कर रही है। मिस्टर पोपो बोलते हैं कि ये डॉल गोकू की तरह नहीं है, ये डॉल सिर्फ अपने ओपोनेंट को मारने के बारे में सोचती है। ये डॉल एक बार फिर से वेजिटा पे अटैक करती है और उसे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारती है। वेजिटा को इससे काफ़ी चोट लगती है पर वो मरता नहीं है। वो बोलता है कि कैकरोट के खिलाफ लड़ना, वो भी उसकी कमजोरियों के बिना, ये ख्याल तो काफ़ी अच्छा है। वेजिटा एक बार फिर से उठता है और एकदम से डॉल पे अटैक करना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि पैन गोकू के पास जाती है और उसे एक सेंसुबिन खिला देती है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा से लड़ते लड़ते डॉल एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। वो डॉल लगातार वेजिटा पे पंचेस बरसाने लग जाती है और वेजिटा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। वेजिटा बोलता है कि ये तो एक बुरे सपने जैसा है, ये डॉल तो किसी पे भी बिल्कुल भी रहम नहीं करती। ये बोलते बोलते वेजिटा लगातार पिटते जा रहा होता है और उसकी हालत लगातार ख़राब होए जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ठीक हो जाता है। वो बोलता है, डॉल क्या हुआ, मुझे लगा था कि तुम मुझसे लड़ोगी। इसके बाद गोकू डॉल पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डॉल एकदम से मुड़ के गोकू की तरफ देखती है क्योंकि डॉल का मेन टारगेट गोकू ही था। वेजिटा की हालत काफ़ी ख़राब लग रही होती है पर फिलहाल के लिए भी वो बच गया। एकदम से डॉल जाके गोकू से लड़ने लग जाती है और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वेजिटा बोलता है, अच्छा कैकरोट तो अब बात यहाँ तक आ गई है, तुम अब खुद के खिलाफ अपनी ताकतों को अडैप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत ना पड़े। गोकू डॉल से लड़ रहा होता है पर डॉल तभी एकदम से गोकू को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारती है। ये पंच गोकू के चेहरे पे लगता है और इस पंच की वजह से गोकू सीधा धरती के बाहर पहुंच जाता है और वो काफ़ी हैरान था। अचानक से ही वो खुद को रोकता है और तभी वो डॉल को देखता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि क्या उसने वही किया जो मैं सोच रहा हूँ। हम देखते हैं कि डॉल एकदम से मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करने लग जाती है और गोकू के सामने खड़ी हुई होती है। तभी मिस्टर पोपो बोलते हैं कि लड़ते वक्त डॉल सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करती है। गोकू ने डॉल के खिलाफ लड़ना और उसे हराना बहुत ही लंबे समय पहले सीख लिया था, पर ये बात हम सभी जानते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर का एक बहुत ही अलग लेवल है, उसमें ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये गोकू का फाइनल टेस्ट है। तभी हम गोकू और डॉल को देखते हैं जो दोनों स्पेस में थे। भले ही डॉल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रही हो पर गोकू अभी भी अपनी बेस फॉर्म में था। इससे पहले कि गोकू कुछ करे, डॉल उस पर एकदम से हमला करना शुरू कर देती है और लगातार उस पर पंचेस बरसाने लग जाती है। गोकू डॉल का सामना नहीं कर पा रहा होता, इसलिए वो एक और सेंसुबिन खाने की कोशिश करता है, पर एकदम से डॉल उस पर फिर से हमला कर देती है और वो सेंसुबिन गिर जाता है। गोकू बहुत ज़ोर से आगे ज़मीन से टकराता है। गोकू बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, वो मेरा लास्ट सेंसुबिन था। और इसके बाद गोकू डॉल की तरफ देखता है। वो देखता है कि आसमान में बहुत ही ताकतवर एनर्जी है। गोकू को समझ में आ जाता है कि डॉल एक बहुत ही ताकतवर अटैक धरती की तरफ शूट करने वाली है और ये देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि नहीं, अगर वो ब्लास्ट धरती को छू देगा तो धरती ख़त्म हो जाएगी। वेजिटा भी इस अटैक को देख रहा होता है पर वो समझ जाता है कि वो इस अटैक को नहीं रोक सकता। पैन भी ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है, पर तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और तभी हम एकदम से पास्ट में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ऊब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसकी आंखें और बाल दोनों एकदम से ग्रे रंग के हो जाते हैं और वो इसके बाद बू की तरफ देखता है। ऊब की छाती में एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी चमकने लग जाती है और ये एनर्जी उसके हाथों में भी होती है। तभी वो एकदम से अटैक करने के लिए बू की तरफ बढ़ता है। किडबू एकदम से ऊब को देख के डरने लग जाता है और लगातार ऊब पे पंचेस बरसाने लग जाता है, पर किडबू के किसी भी अटैक का ऊब पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि डॉल धरती पर अटैक करती है ताकि वो गोकू को ख़त्म कर सके, पर तभी एकदम से गोकू डॉल के पास पहुंच जाता है। उसी तरीके से पास्ट में वो ऊब पे अटैक करता है और ऊब भी अटैक करने के लिए बू की तरफ बढ़ता है। ऊब के हाथों में एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी अटैक था और वो ये अटैक एकदम से किडबू की छाती में दे मारता है। इससे किडबू वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है और उसका नामोनिशान भी नहीं बचता। प्रेजेंट टाइम में गोकू भी डॉल तक पहुंच जाता है और उसकी छाती में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इस डॉल को हराने के लिए सिर्फ एक ही पंच की ज़रूरत थी और ये डॉल वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है।
जैसे ही ओब बू को हरा देता है वो एकदम से प्रेजेंट में आने लग जाता है। वो एकदम से टाइम बैरियर्स को पार करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम में पहुंच गया और वो कामे लुकआउट के बिल्कुल ऊपर होता है, पर वो कामे लुकआउट से टकराने वाला था। ओब खुद को बचा भी नहीं सकता क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करने की वजह से बेहोश हो गया था। इससे पहले कि ओब को चोट पहुंचे, गोकू एकदम से ओब को देख लेता है और एकदम से जाके ओब को पकड़ लेता है। वो दोनों बहुत ही आराम से कामे लुकआउट पे लैंड करते हैं और दोनों बेहोश हो चुके होते हैं। पैन एकदम से रोते रोते गोकू के पास आती है और वो बोलती है, ग्रैंडपा मुझे तो लगा था कि आप इस बार ही नहीं बचोगे। गोकू पैन को गले से लगाता है और बोलता है, पैन कोई बात नहीं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में ही था, तुम हमेशा मेरे साथ सेफ रहोगी, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पैन ये बात सुनकर रोने लग जाती है और बोलती है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है, धरती ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाली थी। गोकू बोलता है, पैन मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर वो शख्स असली होता और इतना ज़्यादा ताकतवर होता तब हम शायद दिक्कत में होते। गोकू बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मौत के नज़दीक कितनी बारी पहुँचता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनूँ, ताकि मैं तुम सभी को बचा सकूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं धरती पर हूँ धरती सेफ रहेगी, और जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तब तक मैं ओब को इतना ज़्यादा ताकतवर बना दूंगा कि वो धरती की रक्षा आराम से कर सकेगा। इसके बाद ओब होश में आ जाता है और पैन उसके घावों पर पट्टी बांध रही होती है। गोकू बोलता है, ओब मुझे माफ़ करना, मैंने सारे के सारे सेंसुबिन्स को ख़त्म कर दिया। तभी मिस्टर गोकू बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। गोकू बोलता है कि क्या, तब से आपके पास एक सेंसुबिन पड़ा हुआ है। मिस्टर पोपो बोलते हैं कि गोकू तुम ही बताओ क्या इसमें मेरी गलती है। गोकू इस बात पे हंसने लग जाता है और बोलता है, नहीं आपने सही किया। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं और वो कैकरोट को आवाज़ लगाता है। गोकू मुड़ के देखता है, वेजिटा बोलता है, कैकरोट यहाँ पर आने का मेरा एक कारण था। गोकू एकदम से स्माइल करता है और बोलता है, वेजिटा मैं समझता हूँ तुम मेरे साथ एक रीमैच चाहते हो। वेजिटा को इस बात पर गुस्सा आता है, वो बोलता है कि कैकरोट फालतू की बातें मत करो, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ। वेजिटा बोलता है कि मुझसे मिलने लॉर्ड चैंप आए थे जो कि यूनिवर्स 6 के डिस्ट्रॉयर हैं। उन्होंने मुझे आके बताया कि यूनिवर्स 6 के सैयंस काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में काबा को बचाया था और लॉर्ड चैंपा ये उसका बदला उतारने के लिए कर रहे हैं। कैकरोट मैं यहाँ पर तुमसे ये बोलने आया हूँ कि तुम इस मामले से बाहर रहना। गोकू इस बात पर थोड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है, वेजिटा क्या तुम्हें पूरा विश्वास है, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। वेजिटा वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास है, मैं ये सब कुछ अकेले करना चाहता हूँ, तुम हर बारी बीच में आके सारा का सारा मामला ख़त्म कर देते हो और मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में आओ, ये मैं खुद हैंडल करना चाहता हूँ तुम्हारे बिना। गोकू बोलता है, ठीक है वेजिटा, पर अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं यहीं पर हूँ। गोकू के इतना बोलने के बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। गोकू बोलता है, ओब तैयार हो जाओ, मुझे लगता है कि तुम अब रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के लिए तैयार हो। ओब बोलता है कि क्या हम पहले थोड़ा सा खा सकते हैं। गोकू बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और ओब दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। गोकू ने ओब को ताकतों की उतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जितना वो कभी सोच भी नहीं सकता था। साथ ही साथ गोकू ने अपनी ताकतों को भी काफ़ी हद तक बढ़ा लिया है। पर अब आगे इन दोनों के क्या एडवेंचर्स होने वाले हैं यह हमें समय के साथ पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू और ओब दोनों खाने के बाद सो जाते हैं। इसके बाद हम प्लैनेट सैडाला को देखते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटा यहाँ तक पहुँच चुका है। पर वेजिटा यहाँ पर क्यों आया है? हमारी स्टोरी की शुरुआत में हम एक प्लैनेट को देखते हैं। इस प्लैनेट का नाम होता है प्लैनेट आर्लिया। और इसके बाद हम एक यूनिवर्स 6 के सैयन वॉरियर को देखते हैं जो कि थोड़ा बहुत वेजिटा की तरह दिख रहा होता है। वो काफ़ी सारे वॉरियर्स को देखता है जो शायद इसी प्लैनेट पर रहते थे और वो सब अब मारे जा चुके हैं। ये वॉरियर काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है, शायद ये किसी से भाग रहा था जो अब इस तक पहुँच चुका है। सैयन वॉरियर गुस्से में बोलता है कि तुम लोगों पर लानत है, तुम सभी स्पेस पायरेट्स हमारे यूनिवर्स का कचरा हो। हम सैयन से एक प्रजाति के तौर पर आगे इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपने किसी भी काम को करने के लिए अपनी जान लगा देते हैं और उस काम को पूरा करने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तुम लोग कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगी, स्पेस पायरेट बोलता है कि सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद वो इस सैयन वॉरियर पर एक अटैक करता है और ये सैयन वॉरियर वहीं के वहीं मारा जाता है। जैसे ही स्पेस पायरेट्स इस वॉरियर को हराते हैं वो बोलते हैं कि लगता है यही था जो इनकी स्पीशीज में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वॉरियर था। सच में ये तो बहुत ही बड़ा मजाक निकला। वो बोलते हैं कि ये सैयन काफ़ी कुछ उस सैयन की तरह लग रहा है जो हमने गॉड ट्यूब में देखा था और ये उससे काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग है। यहाँ पर ये लोग काबा के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद ये बोलते हैं कि नहीं, ये उसकी तरह ज़्यादा लगता है जो दूसरा सैयन हमने यूनिवर्स 7 में देखा था, पर वो सैयन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते थे जो उनकी ताकतों को बढ़ा देती थी। मुझे नहीं लगता कि ये सैयन वो है जिसे हमने देखा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों पायरेट्स टफल्स थे। ओरियन बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है और कामिन इस बात पर स्माइल करती है। तभी एकदम से कामिन कुछ नोटिस करती है। वो बोलती है कि ये क्या है, लगता है उसने किसी को हेल्प के लिए बुलाया था। इसके बाद ओरियन थोड़ा सा दूर देखता है और बोलता है कि लगता है वो अपने साथ बैकअप को लेकर आया था। हो सकता है वो सैयन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता हो। डिस्ट्रेस सिग्नल को ऑन कर दो। ओरियन डिस्ट्रेस सिग्नल को ऑन करने के लिए इसलिए बोल रहा है ताकि दूसरे सैयन को बाहर आना पड़े। इसके बाद हम दूसरे सैयन को देखते हैं जो कि आराम से बैठा होता है। वो बोलता है कि यार उसे तो बहुत ही ज़्यादा देरी लग गई। ओरियन और कामिन सैयन का इंतजार कर रहे होते हैं। ओरियन बोलता है कि अभी तो मैं इन सैयन से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हूँ। कामिन बोलती है कि इस बारे में चिंता मत करो,
एकदम से एक रोबोट सीएन के पास आता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि उसके सामने सिर्फ दो ही टारगेट थे, पर फिर भी हो सकता है कि उसे दिक्कत आ रही हो क्योंकि वो लोग उससे ज़्यादा हैं। वो सीएन एकदम से हंसता है और बोलता है कि अल्फा को उसकी चिंता नहीं है, उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके रास्ते में आता हूँ और वैसे भी अगर मैं लास्ट मोमेंट पे वहाँ पे जाता हूँ तब भी मुझे पूरा क्रेडिट मिलेगा, तो मेरा तो फ़ायदा ही है। रोबोट बोलता है, अगर तुम उसका थोड़ा सा ज़्यादा साथ दोगे तो हो सकता है तुम उसके रास्ते में आना बंद कर दो। और दूसरा सीएन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। वो बोलता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जीना पसंद करता हूँ, किसको फ़र्क पड़ेगा अगर मैं लड़कर और ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँ और उसके बाद में मारा जाऊँ। मैं सिर्फ अपने मज़े के लिए लड़ता हूँ और सिर्फ तब जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तभी एकदम से रोबोट आवाज़ करने लग जाता है। वो बोलता है, अल्फा ने अपने डिस्ट्रेस सिग्नल को एक्टिवेट किया है। वो सीएन एकदम से डरने लग जाता है। वो बोलता है कि अगर वो उनके सामने कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या कर पाऊँगा, पर फिर भी मुझे नीचे तो जाना ही होगा। वो सीएन डरते डरते अपनी शिप से बाहर आता है और एकदम से अपने साथी को देखता है। वो देखता है कि अल्फा मारा जा चुका है और वो एकदम से डरने लग जाता है। तभी एकदम से इस सीएन को पीछे से आवाज़ आती है, ये ओरियन होता है। वो बोलता है कि तुम तो काफ़ी कमाल के बैकअप निकले। ये सीएन बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है पर इसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है। टफल्स एकदम से पावर अप करते हैं। ओरियन बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीएन रेस के सबसे ज़्यादा ताकतवर वॉरियर ना हो। कामिन बोलते हैं कि सच में इन दोनों को देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई। एकदम से वो सीएन टफल्स पर अटैक करता है और टफल्स सीएन की बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं और उस सीएन को पीट पीट कर उसको मौत की कगार तक पहुँचा देते हैं। उस सीएन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यहाँ तक कि उसका आर्मर भी टूट जाता है। वो अपनी जान के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना। और दोनों टफल्स भाई बहन उसे देख के हंसने लग जाते हैं और इसके बाद क्या हुआ हमें ये पता नहीं चलता। और हम लोग सीधा प्लैनेट साडाला पे आ जाते हैं। हम लोग किंग के कैसल पे होते हैं। वो बोलते हैं कि आज एक बहुत ही बुरा दिन है, मेरे मेंटोर, मेरे अंकल और हमारे सबसे महान रॉयल ट्रेनिंग ऑफिसर दो टफल्स के हाथों मारे गए। इसके बाद हम उसी सीएन को देखते हैं जो टफल्स के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो अभी भी किसी तरीके से ज़िंदा है और उसके गले में एक मेडल डला हुआ है। हम जानते हैं कि टफल्स के पास एक एबिलिटी होती है, वो दूसरों की बॉडी पे कब्जा कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इसकी बॉडी में भी टफल्स घुसे हुए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि इस सीएन ने सुपर सीएन की एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया हो और उन टफल्स को हरा दिया हो। किंग बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरे अंकल ने राजगद्दी को ठुकरा दिया था ताकि वो फ्रंट लाइन में सडाला डिफेंस फोर्स में लड़ सकें। मेरे अंकल अल्फा में वो हर चीज़ थी जो कि एक सीएन में होनी चाहिए और जो हर सीएन पाना चाहता है। उनके बिना मैं आज वो प्राउड सीएन ना होता जो मैं आज हूँ। किंग बोलता है कि हमारे लिए अच्छी बात यह है कि अल्फा के बहुत ही लंबे समय से रहे पार्टनर स्केरॉट ने उन दोनों को हरा दिया है जिन दोनों टफल्स ने मेरे अंकल को मारा था, और आज हम सभी यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि हम उसे यहाँ पर ऑनर कर सकें उसकी ब्रेवरी और उसके हीरोइक एक्ट के लिए। इसके बाद किंग बोलता है कि हम सभी लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि स्केरॉट के पास एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। उसे टफल्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी तक हम सभी को लग रहा था कि टफल्स अपने प्लैनेट की सिविल वॉर में मारे गए, पर अब वो वापस आ चुके हैं और पहले थे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उन लोगों का प्लान अब ये है कि वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। उन टफल्स में से दो पूरी गैलेक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं स्पेस पायरेट्स की तरह। स्किरॉट के हिसाब से टफल्स के और भी ज़्यादा सर्वाइवर्स हो सकते हैं। इसके बाद स्किरॉट बोलना शुरू करता है। वो बोलता है, किंग सडाला थैंक यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टफल्स की रेस अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। वो अभी भी दूसरे प्लैनेट्स के नेचुरल रिजर्व्स पे कब्जा कर रहे हैं और उन्हें एनर्जी के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, और वो ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक वो एक मॉडर्न सोसाइटी ना बना लें, और इस सोसाइटी में सिर्फ उन्हीं का स्वागत होगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हैं। पर अब हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जिससे हम उन्हें रोक सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। मुझे उनके नेक्स्ट टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। उनके नेक्स्ट टारगेट हैं हमारे दोस्त गार्डेनियंस, क्योंकि उनका पूरा का पूरा प्लैनेट नेचुरल रिजर्व से भरा हुआ है, इसीलिए वो प्लैनेट टफल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने मकसद को पूरा कर सके। इसके बाद ये मीटिंग ख़त्म हो जाती है और किंग सडाला किसी से बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने किंग ऑफ गार्डेनियंस के साथ एक मीटिंग रखी हुई है ताकि हम उनके प्लैनेट पर एक बहुत ही मजबूत आर्मी को खड़ा कर सकें जिससे हम उनके प्लैनेट पर होने वाले इन्वेजन को रोक सकें। मैं वहाँ पर अपने एलीट गार्ड्स और स्केरॉट के साथ जा रहा हूँ। तब तक मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। काबा, तुम हमारी आर्मी को ट्रेनिंग देने के इंचार्ज होगी ताकि हम लोग इन्वेजन की तैयारी कर सकें। काबा बोलता है, पर सर मुझे आपके साथ चलना चाहिए। किंग सडाला बोलते हैं, नहीं, तुम हमारी आर्मी के बीच इकलौते सुपर सीएन हो और सिर्फ तुम ही हो जो बाकियों को समझा सकते हो कि सुपर सीएन में कैसे बदलना है। स्किरॉट के हिसाब से ये बेस्ट प्लान है और मैं इस बात से एग्री करता हूँ। काबा बोलता है, सर आप जानते हैं कि मैंने ये पहले भी ट्राई किया है। काफ़ी सारे लोग हैं जो सुपर सीएन बनने के नज़दीक आ जाते हैं, पर उन लोगों को अभी भी एक ट्रिगर की जरूरत है जिससे वो सुपर सीएन में बदल सकें। अभी तक सिर्फ एक ही शख्स है जो सुपर सीएन में बदलने में सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि उसे सुपर सीएन में बदलने की टेक्निक समझ आ गई थी, और वो है कलीफ्ला। किंग सडाला बोलता है कि हाँ, कलीफ्ला और डिमोनिक सैयन ऑफ लेजेंड, ये हमारे लिए काफ़ी काम आ सकते हैं। इन लोगों के साथ हमारी दोस्ती हमारे काफ़ी काम आई है। सच बताऊँ, अगर हमारी इनसे दोस्ती ना होती तो हो सकता है हिस्ट्री खुद को रिपीट कर देती,
जब लोगों को डिमोनिक सैयन के बारे में पता चला तो टेंशन काफ़ी बढ़ गई थी, पर वो लड़ाई किसी तरीके से टल गई और हमारा प्लैनेट डिस्ट्रक्शन से बच गया। हमें सच में टूर्नामेंट ऑफ पावर का शुक्रगुजार होना चाहिए। काबा, तुम्हारे पास मेरी सारी परमिशन है, तुम जो करना चाहते हो करो, पर हमारी डिफेंस फोर्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। इसके बाद किंग सडारा वहाँ से जाने लग जाता है और काबा बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। हम देखते हैं कि किंग सडारा अपने एलीट ट्रूप्स के साथ अपनी शिप में जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद काबा को सोचने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि हमें किसकी ज़रूरत है। लॉर्ड चैम्पा ने कहा था कि वो मेरे मास्टर के एहसान को चुकाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो उन्हें यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। इसके बाद हम किंग सडारा की शिप को देखते हैं। वो बोलते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि गार्डियंस हमें हायर करना चाहते हैं ताकि हम उनकी रक्षा कर सकें। स्किरोड बोलता है कि हाँ, वो सच में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है और बहुत ही बड़ा खतरा है। किंग सडारा बोलते हैं कि गार्डियंस हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, हमें उनकी रक्षा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। तभी एकदम से शिप का कैप्टन बोलता है कि टफल्स की शिप हम तक पहुँच रही है। किंग सडारा बोलते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। टफल्स ने खुद को मॉडिफाई कर रखा है, वो स्पेस के वैक्यूम में बहुत ही आराम से रह सकते हैं। हमें उन्हें किसी भी तरीके से पीछे छोड़ना होगा। इसके बाद सैयन अपने शिप को बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं और टफल्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद हम प्लैनेट सडारा पर पहुँच जाते हैं और वेजिटा प्लैनेट सडारा तक पहुँच चुका है। वो बोलता है अच्छा, तो ये सडारा है। चैम्पा के फ्लाइंग बॉक्स ने मुझे यहाँ पर मेरी उम्मीद से जल्दी पहुँचा दिया। इसके बाद वेजिटा ज़मीन पर छलांग लगाता है और शहर में घूमने लग जाता है। तभी एकदम से वहाँ पर बहुत सारे ट्रूप्स आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम कौन हो? वेजिटा बिल्कुल शांति से खड़ा रहता है। एक ट्रूप बोलता है कि लगता है ये कलीफ्ला के क्रू में से है। दूसरा ट्रूप बोलता है कि वैसे तो कलीफ्ला बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसके साथ ही बिल्कुल मजाक हैं। इसके बाद वो वेजिटा को चेतावनी देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास 10 सेकंड है, तुम यहाँ से चले जाओ। वेजिटा बोलता है कि अच्छा, मुझे यहाँ से निकाल सकते हो तो निकालो। काफ़ी सारे ट्रूप्स एकदम से वेजिटा पर हमला कर देते हैं, पर वेजिटा अपनी जगह पर खड़ा रहता है और उनके चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। कोई भी ट्रूप वेजिटा को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाता और वो सारे के सारे एकदम से हार जाते हैं। सारे के सारे ट्रूप्स हार कर इधर उधर पड़े हुए होते हैं। वेजिटा बोलता है कि ये तो बिल्कुल कमज़ोर निकले। इसके बाद और भी ज़्यादा ट्रूप्स वहाँ पर आ जाते हैं और वेजिटा पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वेजिटा के चारों तरफ सोल्जर ही सोल्जर होते हैं और वो सभी वेजिटा के पास पहुँच जाते हैं। पर तभी एकदम से वेजिटा सुपर सेन बदल जाता है और सारे के सारे ट्रूप समझ जाते हैं कि अब वो बहुत ही बड़े खतरे में हैं। वेजिटा एकदम से पावर अप करता है। वेजिटा एक भी सोल्जर को नहीं छूता, पर वो सारे के सारे सोल्जर हार जाते हैं। वेजिटा बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा होता है। वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस प्लैनेट के सबसे एलीट फोर्स ना हो, जिसका नाम ये सडारा डिफेंस फोर्स बता रहे थे। वेजिटा अपने चारों तरफ देखता है और सारे के सारे सोल्जर्स हार चुके होते हैं। तभी एकदम से वहाँ पे काबा पहुँच जाता है। वो बोलता है मास्टर। वेजिटा मुड़ के काबा की तरफ देखता है और स्माइल करता है। हम देखते हैं कि टफल्स की शिप आखिरकार सैयन किंग की शिप तक पहुँच जाती है और किंग सडारा की शिप को अपनी शिप के अंदर खींचने लग जाती है। एक सैयन बोलता है, सर, इन वेव्स की वजह से हमारी शिप के सारे सिस्टम्स खराब हो गए हैं और हमारी शिप अब हिल नहीं पा रही है। किंग सडारा को ये बात सुन के समझ आ जाता है कि वो बहुत ही बड़े खतरे में हैं। वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, उनका प्लान ज़रूर हमें कैप्चर करने का होगा। अपने टेक्नोलॉजी की मदद से वो हमारी शिप को बहुत ही आराम से तबाह कर सकते हैं। इसके बाद किंग सडारा स्किरोड की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ही अजीब तरीके से खड़ा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि उसे इस सिचुएशन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और एकदम से स्किरोड उनकी तरफ बहुत ही ख़तरनाक तरीके से देखता है, जिससे स्किरोड की असलियत सामने आने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि स्किरोड के हाथ में एक अजीब तरीके का बॉम्ब होता है और एकदम से स्किरोड की शक्ल बदल जाती है। वो एकदम से ओरायन की तरह दिखने लग जाता है और उसके चेहरे पे एक बहुत ही ईवल स्माइल होती है। किंग सडारा समझ जाते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े खतरे में हैं। एकदम से वो बॉम्ब फट जाता है और उनकी शिप में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। किंग सडारा एकदम से अपने चेहरे पर एक मास्क पहन लेते हैं ताकि वो स्पेस में सांस ले सकें। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और शख्स आ जाता है। ये होती है ओरायन की बहन कामिन। सैयन किंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम वही दोनों टफल्स होगे जिनके बारे में मैंने इतना सुना है। मुझे बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो? स्किरोड की बॉडी में ओरायन हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि चिंता मत करो, हमारे सैयंस के लिए प्लान बहुत ही बड़े हैं और उससे पहले हमें तुम्हारी ज़रूरत है, इससे पहले कि हम अपने प्लान को अंजाम तक पहुँचा सकें। किंग सडारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलते हैं कि तुम टफल्स हमेशा से ही बहुत ज़्यादा लालची रहे हो। तुम लोग जिस भी चीज़ को छूते हो वो चीज़ बंजर और बेजान हो जाती है, क्योंकि तुम टफल्स को किसी की भी फिक्र नहीं है। तुम्हारा अंपायर भी इसी वजह से ख़त्म हो गया, और चाहे तुम मानो या ना मानो, यही सच्चाई है। और ओरायन ये बात सुन के हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि हम जानते हैं कि टफल्स ने कितनी डिस्ट्रक्शन फैलाई थी, क्योंकि हम ही लोग उसका कारण थे। किंग सडारा ये बात सुन के बहुत ही हैरान रह जाते हैं। तभी एकदम से कामिन बोलती है कि हमने अपने पूरे के पूरे प्लैनेट को खाली कर दिया ताकि टफल्स के एम्पायर का एक बार फिर से पुनर्जन्म हो सके। इसके बाद हम कुछ समय पीछे जाते हैं और टफल्स के प्लैनेट को देखते हैं। ये प्लैनेट बिल्कुल ही बंजर और बेजान सा होता है।
हर तरफ धुआं ही धुआं होता है जो कि फैक्ट्रियों से निकल रहा था। एक तरीके से ये पूरा का पूरा प्लैनेट तबाह हो चुका था। इसके बाद हम ओरायन और कामिन को देखते हैं जो कि अपनी नॉर्मल टफल्स की फॉर्म में होते हैं और ना कि अपनी मॉडिफाइड फॉर्म में। कामिन बोलती है कि हम लोग टफल्स एम्पायर के राजकुमार और राजकुमारी थे। हम लोगों से सभी लोग प्यार करते थे पर बहुत ही कम उम्र में हम दोनों ही बीमार पड़ गए। हमारे पिता ने अपने एम्पायर को फिर से खड़ा करने के लिए ना जाने कितने प्लैनेट्स के रिसोर्सेज को लूटा पर फिर भी वो नाकाम रहे। हमारे पिता चाहते थे कि वो सभी के सभी टफल्स को उनकी बायोलॉजिकल नॉर्मल लाइफ से आज़ाद कर सके और उन्होंने हमें बचाने की भी पूरी कोशिश करी पर उनके सारे के सारे अटेम्प्ट्स पूरी तरीके से बेकार हो गए। हम देखते हैं कि टफल्स का किंग उनके बच्चों की मौत के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो मशीन को तोड़ने लग जाता है। वो बोलता है कि ये लोग मर चुके हैं, अब हम क्या करें। हम देखते हैं कि किंग टफल के पास एक और टफल खड़ा होता है जिसका नाम पैरो होता है। वो बोलता है कि हमारे पास एक और ऑप्शन है, मेरे टॉप मिलिट्री साइंटिस्ट ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है, वो कंप्यूटर तुम्हारे बच्चों को दोबारा से ज़िंदा कर सकता है, उसमें इतनी ताकत है, पर वो तुम्हारे वो बच्चे नहीं होंगे जिन्हें तुम जानते थे, वो उनका बेहतर और इम्प्रूव्ड वर्जन होंगे। एक तरीके से तुम कह सकते हो कि वो सुपर टफल्स होंगे और ये सब कुछ करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी और ये कोई आम रिसोर्सेज नहीं होंगे, ये रिसोर्सेज हमें एंशिएंट प्लैनेट से ही मिल सकते हैं जो कि नेचर में काफ़ी ज़्यादा रिच हों। हमारे पास ऐसी मशीन है जो कि प्लैनेट्स के अंदर से उनके रिसोर्सेज को निकाल सकती है और उन रिसोर्सेज की मदद से हम लोग नए और बेहतर सुपर टफल्स बना सकते हैं, पर उसके लिए हमारे को बहुत ही बेहतरीन तरीके के प्लैनेट्स को ढूंढना होगा। किंग टफल किसी भी तरीके से अपने बच्चों को फिर से ज़िंदा देखना चाहता है। वो बोलता है कि पैरो तुम्हें जो करने की ज़रूरत है वो करो। पैरो ये बात सुन के हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि नेचर का खात्मा तो तय है ताकि यूनिवर्स और टफल एम्पायर बेहतर हो सके। किंग टफल बोलते हैं कि पैरो अपने टॉप मिलिट्री एजेंट्स को ऑर्डर दो कि वह ऐसे सूटेबल प्लैनेट्स को ढूंढें और एक बारी अगर हमने ऐसे प्लैनेट्स के रिसोर्सेज को ड्रेन करना शुरू कर दिया तो हम इस प्रोसेस को बंद नहीं करेंगे। हम रिसोर्सेज की मदद से सिटीज़ को डेवलप करेंगे और उन सिटीज़ को बेचेंगे ताकि हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। इसके बाद हम ओरायन और कामिन की बॉडी को टैंक्स के अंदर देखते हैं। वो दोनों पहले के मुकाबले ज़्यादा हेल्दी लग रहे होते हैं पर अभी तक वो ज़िंदा नहीं हुए होते। वो दोनों किसी तरीके के सुपर कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। तभी वहाँ पे पैरो आ जाता है। वो बोलता है कि ये लोग तो परफेक्ट लग रहे हैं, क्या तुम काम पूरा करने में कामयाब रहे। इसके बाद हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर प्लम होता है। वो बोलता है कि हाँ, इन दोनों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अब ये है कि ये टफल एम्पायर को आगे बढ़ाएं। इन लोगों का मकसद ये है कि ये टफल्स की लाइफ को आसान बनाएं और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, चाहे वो करने के लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। आखिरकार वो समय आ जाता है जब ओरायन और कामिन दोनों पूरे हो चुके होते हैं। पैरो बोलता है कि बहुत बढ़िया, इन दोनों की प्रोग्रामिंग लगता है पूरी हो चुकी है, अब फैमिलीज के मिलने का समय आ गया है। हम देखते हैं कि ओरायन और कामिन दोनों अपने टैंक से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर टफल किंग यानी कि इन दोनों के फादर भी होते हैं। जैसे ही किंग टफल और पैरो रूम के अंदर जाते हैं वो डॉक्टर प्लम को मरा हुआ देखते हैं और तभी एकदम से पैरो पर भी एक अटैक होता है और वो भी वहीं के वहीं मारा जाता है। किंग टफल को अभी तक समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ है। वो बोलते हैं कि ये क्या, और इसके बाद वो अपने बच्चों की तरफ देखता है और समझ जाता है कि ये इन्हीं दोनों का काम है। वो बोलता है कि बच्चों ये मैं हूँ तुम्हारा पिता। ऐसा लगता है कि ओरायन और कामिन दोनों अपने फादर को पहचान गए हैं। किंग टफल चैन की सांस लेता है कि उसके दोनों बच्चे उसे पहचान गए हैं और कामिन अपने फादर के पास जाती है। तभी एकदम से ओरायन अपने फादर के पीछे पहुंच जाता है और उनकी छाती में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा कर देता है। किंग टफल वहीं के वहीं मारे जाते हैं और अपने फादर किंग टफल को मारते मारते ओरायन बोलता है कि फादर ये हम आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। एकदम से किंग टफल ज़मीन पर गिर जाते हैं और ओरायन और कामिन आपस में बात करते हैं। कामिन बोलती है कि भाई क्या तुम तैयार हो। काफ़ी सारे टफल सोल्जर्स को समझ नहीं आ रहा होता कि रूम के अंदर क्या चल रहा है और वो दरवाज़ा तोड़ के एकदम से रूम के अंदर आ जाते हैं। पर इन सभी के सभी सोल्जर्स को हराने में ओरायन और कामिन को ज़रा सी भी देर नहीं लगती और वो कुछ ही सेकेंड्स में सभी के सभी सोल्जर्स को हरा देते हैं। ओरायन एकदम से मरे हुए सोल्जर्स के सर के ऊपर से बाल तोड़ता है और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देता है। वो बोलता है कि तुम सभी लोग चिंता मत करना क्योंकि तुम लोग जल्दी वापस आने वाले हो। और तभी वहाँ पर कुछ और सोल्जर्स भी आ जाते हैं और ओरायन और कामिन उन लोगों को भी मार देते हैं। इसके बाद हम करंट समय में वापस आ जाते हैं और ओरायन किंग सडाला को ये सब कुछ बता रहा होता है। और ओरायन बोलता है कि इसके आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो, मेरे फादर जिन प्लैनेट्स को टारगेट कर रहे थे वो सभी प्लैनेट्स सडाला डिफेंस फोर्स के प्रोटेक्शन में आते हैं। तुम सैयंस पूरी की पूरी गैलेक्सी में फैले हुए हो, तुम और तुम्हारी एलिट आर्मी हमारे काफ़ी काम आने वाली है। किंग सडाला बोलते हैं कि तुम लोग तो मॉन्स्टर्स हो। और ओरायन बोलता है कामिन तुम अपना काम कभी भी शुरू कर सकती हो। हम देखते हैं कि किंग सडाला के पीछे कामिन खड़ी हुई होती है।
तभी कुछ देर बाद वहाँ पर काफ़ी सारे सैयन आते हैं। वो पूछते हैं, सर क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है? हम इसके बाद किंग सडाला को देखते हैं। वो बोलते हैं, हाँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। हमें पता चलता है कि किंग सडाला की बॉडी पे कामिन ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद हम प्लैनेट सडाला पे वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि कावा वेजिटा से मिल चुका है। वो बोलता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, इनका नाम है वेजिटा। ये यूनिवर्स 7 के वही सैयन हैं जिन्होंने हमारे यूनिवर्स को रिस्टोर करने का प्रॉमिस किया था। किंग सडाला चाहते थे कि आप सभी लोग सुपर सैयन बनने की ट्रेनिंग करें, और वेजिटा ने ही मुझे सुपर सैयन बनना सिखाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि वेजिटा आप लोगों की भी नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने में मदद करेंगे। वेजिटा एकदम से काबा को रोक देता है और बोलता है कि काबा बहुत हो गया, आप सभी लोग मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे कोई हीरो बनने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम लोगों को तैयार कर सकूँ, ताकि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सको। वेजिटा सैयन से बोलता है कि वो कोई हीरो नहीं है और ना ही वो हीरो बनना चाहता है। वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो उन्हें सिखा सके और उनकी मदद कर सके, ताकि वो सभी सैयन अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकें। वेजिटा बोलता है कि हाँ ये बात सच है कि मैंने इस यूनिवर्स को रिस्टोर करने का वादा किया था। वो मैंने इसलिए किया था ताकि मैं इस प्लैनेट को खुद अपनी आंखों से देख सकूं। और मैं तुम सबको कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी मैं करने वाला हूँ उस चीज़ को सीरियसली लेना। तुम में से कुछ लोगों से मैं ऑलरेडी लड़ चुका हूँ, और सच बताओ तो मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ। मैं ऐसे ऐसे खतरों का सामना कर चुका हूँ जो लोग तुम्हें बड़े आराम से हरा सकते हैं और कुछ ही समय में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक सैयन बोलता है, मिस्टर वेजिटा मुझे लगता है कि आप अपने यूनिवर्स में एक बहुत ही महान हीरो होंगे। वेजिटा इस बात पर स्माइल करता है। वेजिटा बोलता है कि काबा ने मुझे बताया कि तुम एक बहुत ही बड़े खतरे का सामना कर रहे हो जिसका नाम है स्पेस पायरेट्स। हमारे यूनिवर्स में मैं एक राजकुमार था और हमारे एम्पायर का काम था कि हम प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करें और उन्हें बेच दें। ये बात सुनकर सभी के सभी सैयन्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में सैयन्स स्पेस पायरेट्स का सामना कर रहे हैं और यूनिवर्स 7 में सैयन्स खुद स्पेस पायरेट्स थे। वेजिटा बोलता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, हमारे यूनिवर्स में हम ही लोगों ने टफल्स के प्लैनेट का खात्मा कर दिया था और उस प्लैनेट को अपना बना लिया था। सैयन्स को वेजिटा की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि वेजिटा का यूनिवर्स उनके यूनिवर्स से बिल्कुल अलग था। वेजिटा अब सीरियस हो जाता है और बोलता है कि सच बताओ तो तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो, तुम्हारे दुश्मनों के पास काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं और उस चीज़ का सामना वही शख्स कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो। अब मैंने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया है और अब उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। तुम मेरे बारे में जो भी सोचना चाहते हो वो सोचो, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि इस यूनिवर्स के सैयन्स सर्वाइव कर सकें। पर विश्वास मानो, अगर मुझे लगता है कि तुम लोग उस चीज़ के लायक नहीं हो तो मैं खुद अपने हाथों से तुम लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलते बोलते वेजिटा एक बहुत ही खास टेक्निक दिखाता है जिसके वजह से उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा निकल रहा होता है और इस प्रेशर की वजह से सभी सैयन्स और काबा हैरान रह जाते हैं। तभी एकदम से वेजिटा शांत हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मुझे अभी के अभी ट्रेनिंग ग्राउंड्स में मिलो। वेजिटा बाहर जा ही रहा होता है तभी एकदम से काबा उसे रोकता है। वो बोलता है, मास्टर मेरे पास आपके लिए कुछ नए कपड़े हैं। वेजिटा ये बात सुन के हैरान होता है। काबा उसे कपड़े देता है और बोलता है कि वादोस ने ये मुझे दिए थे, ये आपके लिए एक गिफ्ट है वीस की तरफ से। वेजिटा शायद इन कपड़ों के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानता है। वो बोलता है कि लगता है समय आ गया है, मुझे इन कपड़ों को ट्राई करना होगा। इसके बाद वेजिटा बहुत ही खास तरीके के इयररिंग्स पहनता है जो कि इसी यूनिफॉर्म का पार्ट होते हैं। वेजिटा को उन इयररिंग्स में से एक आवाज़ आती है जो कि बोलती है मॉर्टल डेवलपमेंट। इसके बाद वेजिटा अपनी यूनिफॉर्म की तरफ बढ़ता है और उस यूनिफॉर्म को पहनने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि यूनिवर्स 6 के सैयन्स मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक फोर्स होंगे। इसके बाद हम वेजिटा को एक बहुत नई तरीके की यूनिफॉर्म में देखते हैं जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म की तरह लग रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी सैयन्स बाहर ट्रेनिंग एरिना में होते हैं जिसका नाम होता है सडाला एरिना। वेजिटा सभी सैयन्स को बताता है कि जितना मुझे लगता है तुम सैयन्स यूनिवर्स 7 के सैयन्स से एवोल्यूशन के मामले में आगे थे। आखिरकार हम सभी सैयन्स एक हाइपर एवोल्यूशनरी रेस हैं। तो अब मेन बात करते हैं, सुपर सैयन की ट्रांसफॉर्मेशन गुस्से से पाई जाती है, पर एक बारी अगर कोई सैयन सुपर सैयन में बदलने में कामयाब हो जाता है तो उस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। यूनिवर्स 7 के सभी सैयन्स के पास टेल्स थी और हमें उसकी ताकत की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि यूनिवर्स 7 के सभी सैयन्स ग्रेट एप की ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, क्योंकि ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सैयन की ताकत 10 गुना बढ़ जाती थी। पर ये यूनिवर्स 7 के सैयन्स की गलती थी। ग्रेट एप की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सैयन्स के सामने जो भी दिक्कत आती थी वो उस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए ख़त्म हो जाती थी, जिसकी वजह से यूनिवर्स 7 के सैयन्स को कभी ज़्यादा ताकतवर बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस बात का रियलाइजेशन मुझे जब हुआ जब मैंने अपनी खुद की टेल को खो दिया। लगातार दिक्कतों का सामना करने की वजह से और मेरी ताकत लगातार बढ़ने की वजह से मेरी बॉडी इवॉल्व हुई और मेरी बॉडी को टेल की ताकत की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, क्योंकि अब समय आ गया था कि मेरी बॉडी सुपर सैयन बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इसके बाद वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है
और सभी के सभी सैयन उसे देख के हैरान रह जाते हैं। वेजिटा इसके बाद पावर डाउन कर लेता है और बोलता है कि काबा ने मुझे बताया कि यूनिवर्स 6 के सैयन्स को पता ही नहीं है कि उनके पास पहले टेल्स हुआ करती थी, जिससे मुझे एक बात समझ आ गई कि यूनिवर्स 6 के सैयन्स असेंड करने के लिए पहले से ही तैयार थे। यूनिवर्स 6 के सैयन्स की बॉडी ऑलरेडी सुपर सैयन में बदलने के लिए तैयार है और उसके आगे जाने के लिए भी। इसके बाद वेजिटा सुपर सैयन के आगे की फॉर्म्स को दिखाता है और एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सुपर सैयन रेड में बदल जाता है। वो कहता है, सैयन्स इस फॉर्म को कहते हैं सुपर सैयन गॉड। ये हमारी डेस्टिनी है कि हम एक वॉरियर रेस की तरह इस फॉर्म को अचीव करें। इस फॉर्म को खुद मैंने अपनी ताकत से पाया है, जिसका मतलब यह है कि तुम भी इस फॉर्म को पा सकते हो। सभी के सभी सैयन्स इस फॉर्म को देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि सैयन एवोल्यूशन की नेक्स्ट स्टेज ये है। एक बार फिर से वेजिटा पावर डाउन कर लेता है और बोलता है कि मुझे पता है कि काबा ने तुम सभी को पहले ही पीछे छोड़ दिया है और उसके अकेले की ताकत तुम सभी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। वेजिटा काबा को उसके सामने खड़ा होने के लिए बोलता है और बोलता है, काबा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 5 सबसे ज़्यादा ताकतवर सैयन्स है तुम उनका सामना करो, वो भी अकेले। काबा सैयन्स से लड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता और वेजिटा को भी उससे यही उम्मीद थी, इसीलिए वो स्माइल करता है। इसके बाद काबा एरिना के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और 5 सैयन्स उसके आसपास आके खड़े हो जाते हैं ताकि वो सब मिलके काबा से लड़ सके। वेजिटा बोलता है कि देखते हैं कि तुम सभी लोग क्या कर सकते हो। इसके बाद काबा फाइटिंग पोज ले लेता है और 5 सबसे ज़्यादा ताकतवर सैयन्स एकदम से काबा पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। काबा सैयन्स के अटैक्स को बहुत ही आराम से झेल लेता है और उनके अटैक्स को रोकने लग जाता है। उन सभी सैयन्स से लड़ने में काबा को ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आ रही होती और वो सभी को पीटने लग जाता है। सभी सैयन्स मिलके भी काबा का सामना नहीं कर पा रहे होते और काबा के अकेले की ताकत उन सभी सैयन्स में भारी पड़ रही होती है। वो बिना सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुए भी सबका सामना कर पा रहा होता है। इसके बाद सभी के सभी सैयन्स काबा पर मिलकर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मिलकर वो काबा को हरा पाए। उनमें से कुछ सैयन्स काबा को पकड़ने की कोशिश करते हैं और बाकी सभी सैयन्स काबा पर अटैक कर रहे होते हैं, पर अचानक से ही काबा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब बाकी सभी सैयन्स की ताकत काबा के सामने बिल्कुल बेकार है। काबा के सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि 4 सैयन्स वैसे ही हार जाते हैं और सिर्फ 1 सैयन बाकी होता है। वो आखिरी सैयन काबा से लड़ने की पूरी कोशिश करता है और अपना फाइनल अटैक काबा पर करने वाला होता है। काबा उसे हराने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पंच मारने ही वाला होता है, पर तभी वेजिटा बोलता है कि बहुत हो गया। काबा एकदम से रुक जाता है। वेजिटा बोलता है, काबा मैं तुम्हें और बाकी सभी सैयन्स को एक बात और बताना चाहता हूँ ताकि तुम वो गलती ना करो जो कि हम यूनिवर्स 7 के सैयन्स ने करी थी। तुम सभी लोग ये ध्यान रखना कि तुम सुपर सैयन की फॉर्म पे ज़्यादा डिपेंड ना करो, वरना तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। यही गलती हमने ग्रेट एप की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ करी थी। अगर तुम सुपर सैयन की फॉर्म का लगातार इस्तेमाल करते रहोगे तो तुम उस पर डिपेंड हो जाओगे और अल्टीमेटली तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। अपनी बॉडी को लगातार फोर्स करते रहो और खुद को पुश करते रहो, अपनी बाउंड्रीज को तोड़ते रहो। इसी तरीके से मैंने ऐसी ताकत को पाया है जो कि आज गॉड्स का भी सामना कर सकती है। मैं लगातार दिक्कतों का सामना करता रहा और अपनी बॉडी को बार बार फोर्स करता रहा ताकि मेरी एवोल्यूशन कभी ना रुके। ये ट्रिक मैंने अपने एक पुराने दोस्त से सीखी है। अब तुम सभी लोगों को दिखाने का समय आ गया है कि तुम्हारी बॉडी किस चीज़ की कैपेबल है। इसके बाद वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी की फैमिलीज होंगी, ऐसे लोग होंगे जिनकी तुम फिक्र करते हो। वेजिटा इसके बाद पावर डाउन कर लेता है। ऐसे लोग जिनकी तुम फिक्र करते हो ये तुम्हारे लिए पावर का एक बहुत ही महान सोर्स हो सकते हैं, इसलिए मैं तुम सभी को सजेशन दूंगा कि अपने अंदर झांक कर देखो। अगर तुम सभी लोग अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए और अगर डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए तो मैं तुम्हारे इस पूरे के पूरे प्लैनेट को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलते बोलते वेजिटा के चेहरे पे एक ईवल स्माइल होती है और उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। काबा ये देख के हैरान रह जाता है और बाकी सभी सैयन समझ जाते हैं कि वेजिटा एक बहुत ही बड़ा खतरा है। एकदम से काबा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सभी के सभी सैयन्स एकदम से वेजिटा पे हमला करना शुरू कर देते हैं। वेजिटा के चारों तरफ एक पर्पल कलर का ऑरा होता है और जैसा कि आप समझ गए होंगे, पर्पल कलर का ऑरा डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का होता है। वेजिटा अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सभी सैयन्स उस पर हमला कर रहे होते हैं, पर वेजिटा को एक भी हमला नहीं लगता। इसके बाद काबा एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाता है और सभी के सभी सैयन्स एकदम से वेजिटा पे की ब्लास्ट करने लग जाते हैं। वेजिटा चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा रहता है। उसे सभी सैयन्स की ताकत पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो काबा समेत किसी भी सैयन के अटैक को रोकने की कोशिश नहीं करता। सभी के सभी अटैक उसकी बॉडी पे लगते हैं और सभी के सभी इरेज हो जाते हैं क्योंकि वेजिटा डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा होता है। एक भी अटैक वेजिटा की बॉडी को नहीं छू पाता। हम देखते हैं कि वेजिटा के पैरों के नीचे जो ज़मीन थी उसका कुछ पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये भी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी की वजह से हुआ होता है। वेजिटा एक ही सेकंड के अंदर अंदर प्लैनेट सैडाला से बाहर पहुंच जाता है और वो एकदम से प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने का फैसला कर लेता है। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त डिस्ट्रक्शन का अटैक बना रहा होता है और इस अटैक को वो प्लैनेट सैडाला पे शूट करने वाला होता है। काबा सभी के सभी सैयन से बोलता है कि सभी के सभी मेरे पीछे आ जाओ। सारे के सारे सैयन्स काबा के पीछे आ जाते हैं
काबा पूरी की पूरी सैयन आर्मी को लीड कर रहा होता है और सभी के सभी बहुत ही ज़बरदस्त अटैक बनाते हैं। वेजिटा एकदम से अपने डिस्ट्रक्शन के अटैक को प्लैनेट सडाला पे शूट कर देता है। अगर ये अटैक गलती से भी प्लैनेट सडाला को लग गया तो प्लैनेट सडाला एक ही झटके में ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त सडाला फोर्स का हर एक सैयन अपने प्लैनेट को बचाने के लिए लड़ रहा होता है और सभी के सभी सैयन्स अपने सबसे ताकतवर अटैक वेजिटा के अटैक की तरफ शूट करते हैं ताकि वो वेजिटा के अटैक को सडाला तक पहुँचने से रोक सकें। आखिरकार सभी सैयन्स का अटैक वेजिटा के अटैक से टकराता है, पर वेजिटा का अटैक डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से बना होता है और वो सैयन्स के अटैक को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। काबा और सभी सैयन्स अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ रहे होते हैं और वेजिटा के अटैक को पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर यह बात क्लियर है कि सबसे ज़्यादा एफर्ट काबा को ही लगाना पड़ रहा होता है क्योंकि वो इस वक्त इकलौता सुपर सैयन होता है। पर जैसा कि वेजिटा ने कहा था, प्लैनेट सडाला के सभी सैयन्स असेंड करने के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्हें बस ऐसे एक ऑब्स्टिकल की जरूरत थी जो उन्हें सुपर सैयन बनने पर मजबूर कर सके। वेजिटा ने प्लैनेट सडाला को बहुत ही बड़े खतरे में डाल दिया था और इसी वजह से सभी सैयन्स अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं और प्लैनेट सडाला के काफ़ी सारे सैयन्स एक साथ सुपर सैयन में बदलने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही काफ़ी सारे सैयन्स सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होते हैं, उनकी ताकत एकदम से बढ़ जाती है और वो वेजिटा के अटैक को पुश करने में कामयाब होने लग जाते हैं। वेजिटा भी इस चीज़ को देख के काफ़ी खुश हो रहा होता है। वेजिटा का शुरुआत से ही यही प्लान था, पर उसका प्लान अभी ख़त्म नहीं हुआ है। काबा समेत काफ़ी सारे सैयन्स और नए सुपर सैयन्स वेजिटा के अटैक को आखिरकार रोकने में कामयाब हो जाते हैं, पर क्योंकि काबा ने इस अटैक को रोकने में सबसे ज़्यादा ताकत लगाई होती है, उसकी ताकत काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होती है। सैयन्स का जो अटैक डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को हरा के वेजिटा की तरफ बढ़ रहा था, वो एक ही झटके में ख़त्म हो जाता है। वेजिटा एक ही झटके में डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से उस अटैक को ख़त्म कर देता है। किसी भी सैयन को समझ नहीं आता कि उनके अटैक के साथ क्या हुआ और वो सभी काबा से पूछने लग जाते हैं। काबा बोलता है कि उन्होंने हमारी एनर्जी को इरेज कर दिया। इसके बाद वेजिटा स्माइल करता है और बोलता है कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, सिर्फ प्रोग्रेस है, पर क्रिएशन से पहले डिस्ट्रक्शन आती है। ये बोलते बोलते वेजिटा एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाता है और ये अटैक वो प्लैनेट सडाला पे शूट करने वाला होता है। वेजिटा को देख के पता चल रहा होता है कि वो प्लैनेट सडाला और प्लैनेट सडाला के सैयन्स किसी पे भी रहम नहीं करने वाला, क्योंकि अगर वो वेजिटा के अटैक को रोकने में नाकामयाब रहे तो ये उन्हीं की गलती होगी क्योंकि वो हद से ज़्यादा कमज़ोर निकले और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। काबा भी अपने मास्टर को जानता है और वो जानता है कि वेजिटा किसी पे भी रहम नहीं करने वाला। वो बोलता है कि सभी लोग मुझे अपनी एनर्जी दो। एक दूसरा सैयन बोलता है कि तुम सभी ने सुना कि काबा ने क्या कहा। सभी के सभी सैयन्स मिलके काबा को अपनी एनर्जी देने लग जाते हैं और जैसे ही सभी के सभी सैयन्स काबा को अपनी एनर्जी देते हैं, एकदम से काबा की बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं। उसके बाल ग्लो करने लग जाते हैं। इतने सारे सुपर सैयन्स की ताकत के साथ काबा एक बहुत ही ज़बरदस्त अटैक बनाने लग जाता है। ये अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर होगा कि वो वेजिटा के अटैक को भी रोक पाएगा। आखिरकार वेजिटा अपने अटैक को प्लैनेट सडाला की तरफ शूट करता है और काबा का अटैक भी वेजिटा के अटैक की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे ही दोनों के अटैक टकराते हैं, एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने लग जाता है। वेजिटा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। आखिरकार वेजिटा ने जो चाहा था वो हो गया। सभी सैयन्स मिलके उनके प्लैनेट को बचाने में कामयाब रहे और वेजिटा के अटैक को रोक लिया। वेजिटा का अटैक और काबा का अटैक मिलके स्पेस में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करते हैं और आखिरकार वेजिटा का अटैक प्लैनेट सडाला तक पहुँचने से पहले ही तबाह हो जाता है। जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म होता है, काबा आखिरकार अपनी बॉडी में हुए चेंजेस को नोटिस करता है और उसे विश्वास नहीं होता कि उसने किस ताकत को अचीव कर लिया है। ये है सुपर सैयन गॉड की ताकत। आखिरकार लड़ाई के दौरान जो सैयन सुपर सैयन में बदल गए थे, वो भी नोटिस करते हैं कि उन्होंने एक नई ताकत को अचीव कर लिया है। अभी तक उन सभी ने नोटिस ही नहीं किया था कि वो लोग सुपर सैयन में बदल गए हैं। एक सैयन काबा से पूछता है कि काबा, क्या हम जीत गए? आखिरकार काबा को समझ आने लग जाता है कि ये सब कुछ वेजिटा का एक प्लान था और वो आसमान की तरफ देख के स्माइल करता है। वेजिटा भी काबा को देख के स्माइल करता है। इसके बाद हम कलीफ्ला को देखते हैं। वो आखिरकार नोटिस करती है कि प्लैनेट पर एक फाइट चल रही है। वो बोलती है कि ये क्या था, ऐसा लग रहा है कि सडाला डिफेंस फोर्स किसी से लड़ रही है और इतनी ज़बरदस्त की को महसूस करके लग रहा है कि उनके अपोनेंट की ताकत काफ़ी ज़्यादा है। हमें देखना होगा कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। केल चुपचाप कलीफ्ला की बात को मान लेती है और बोलती है कि ठीक है। कलीफ्ला बोलती है, केल खुश हो जाओ, हो सकता है वहाँ पर कोई ऐसा शख्स हो जिस पर तुम अपनी नई ताकत को इस्तेमाल कर सको और मैं भी अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकूं। मैंने कुछ दिनों पहले सुना था कि काबा ने एक ऐसे दुश्मन का सामना किया जिसे पूरी की पूरी सैयन आर्मी मिलके भी नहीं हैंडल कर पा रही थी। केल ये बात सुन के हैरान रह जाती है और कलीफ्ला बोलती है कि लगता है मज़ा आने वाला है। अगर हम सडाला डिफेंस फोर्स के बेस्ट लोगों को हराने में कामयाब रहे तो हो सकता है हम डिफेंस फोर्स का कुछ कैश भी चुरा सकें। अगर हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल गया तो हो सकता है कि हम अपने टेरिटरी को भी थोड़ा सा स्पेशल बना पाएं। चलो केल, चलते हैं। केल हाँ बोलती है और कलीफ्ला के पीछे चली जाती है। सभी के सभी सैयन्स और सुपर सैयन्स नोटिस करते हैं कि केल और कलीफ्ला उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक काबा ने नोटिस नहीं किया होता क्योंकि वो अभी अपनी ताकत को देख रहा होता है। वेजिटा भी नोटिस करता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनके बारे में उसने सोचा नहीं था।
कलीफ्ला को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो अपनी आंखों से क्या देख रही है। वो बोलती है कि ये क्या है, क्या यहाँ पे सब के सब सुपर सैयन में बदल गए हैं। कलीफ्ला और केल वहाँ पे लैंड करते हैं और सभी के सभी सैयन बोलते हैं कि सभी लोग ध्यान से, हमारे बीच में कुछ मेहमान आए हैं। एक सैयन बोलता है कि हम लोग पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, मुझे लगता है कि हम कलीफ्ला और उसके क्रू को अब हरा सकते हैं। एक दूसरा सैयन बोलता है हाँ, उसने हमारी सडारा डिफेंस फोर्स का काफ़ी लंबे समय से मजाक बना रखा है। एकदम से काफ़ी सारे सुपर सैयन्स बिना कुछ सोचे केल और कलीफ्ला पे हमला करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त सभी के सभी सुपर सैयन्स का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके दोनों को ख़त्म कर दें ताकि उन्हें आगे कोई भी दिक्कत ना आए। पर केल को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो जैसे ही सभी सैयन्स को उसकी तरफ बढ़ते हुए देखती है, वो एकदम से सुपर सैयन में बदल जाती है। और क्योंकि केल एक लेजेंडरी सुपर सैयन है, वो एकदम से अपने बर्सर्कर मोड में चली जाती है। ये चीज़ कलीफ्ला ने भी नहीं सोची थी। ये देख के एकदम से सारे के सारे सुपर सैयन्स उसी पे हमला करना शुरू कर देते हैं। केल अकेले ही सभी के सभी सुपर सैयन्स से लड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर एक के बाद एक और भी ज़्यादा सुपर सैयन्स आके उससे लड़ने लग जाते हैं। ये केल पे भी भारी पड़ रहा होता है, पर जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, एक लेजेंडरी सुपर सैयन की ताकत भले ही ट्रांसफॉर्म होने के वक्त ज़्यादा ना हो, पर एक लेजेंडरी सुपर सैयन की ताकत हर सेकंड के साथ बढ़ती चली जाती है। और ये चीज़ केल के साथ भी हो रही होती है। वो हर सेकंड के साथ और ज़्यादा ताकतवर होती जा रही होती है और उसका खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। केल एकदम से गुस्से में आ जाती है और एकदम से पावर अप करती है। उसका पावर अप इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि सभी के सभी सुपर सैयन्स उससे दूर हो जाते हैं और दूर जाके गिरने लग जाते हैं। एक सुपर सैयन केल की ताकत को देख के घबराने लग जाता है और बोलता है कि ये तो एक डिमोनिक सैयन है। ये बात केल भी सुन लेती है और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कलीफ्ला भी केल की ताकत को देख के बिल्कुल हैरान होती है। वो बोलती है कि आखिर ये केल को क्या हो गया। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होती है, ऐसा लगता है कि उसके दिमाग पर कोई कब्जा कर लेता है। ऐसा लगता है कि उसकी ताकतें एकदम से उसके सर पर चढ़ जाती हैं। वैसे ये बात तो तुम लोगों पर भी लागू है। तुम लोग जैसे ही सुपर सैयन में बदले, तुम्हारी ताकत तुम्हारे सर पर चढ़ गई। सभी के सभी सुपर सैयन्स ने अभी हार नहीं मानी होती और वो केल से लड़ने के लिए अभी भी तैयार होते हैं। एक सैयन बोलता है कि हम सब मिलके अभी भी केल को हरा सकते हैं। हम सभी ने अब सुपर सैयन की ताकत को अचीव कर लिया है और हम सभी अब अपने प्लैनेट को तबाह होने नहीं देंगे। हम सभी को इस डिमोनिक सैयन से मिलकर लड़ना होगा। अगर हम इससे मिलकर नहीं लड़ेंगे तो ये एक एक करके हम सभी को मार देगी। हम सभी को ये लड़ाई अभी के अभी यहीं पर ख़त्म करनी होगी, वरना क्या पता ये कितनी डिस्ट्रक्शन फैला सकती है। सुपर सैयन गॉड काबा भी इस लड़ाई को देख रहा होता है, पर अभी तक उसने इस लड़ाई में इंटरफेयर नहीं किया होता है। उसकी ताकत का लेवल अलग है और वो चाहे तो केल को बहुत ही आराम से हरा सकता है। काबा ये बात ऑलरेडी जानता है कि केल अपने बर्सर्कर मोड को कंट्रोल कर सकती है, पर फिलहाल वो गुस्से में है और इसी वजह से वो अपनी ताकतों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। हम देखते हैं कि सभी के सभी सुपर सैयन्स एक बार फिर से केल पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो केल को हराने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो ये बात नहीं जानते कि केल की ताकतें लगातार बढ़ रही हैं। तभी एकदम से कलीफ्ला चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है, केल अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तुम अपनी ताकतों को पहले भी कंट्रोल कर चुकी हो। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तुम चाहो तो अपनी ताकतों को कंट्रोल कर सकती हो। वेजिटा स्पेस से सभी के सभी सुपर सैयन्स को लड़ते हुए देख रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। ये सभी के सभी नए सुपर सैयन्स हैं। तभी वेजिटा केल में कुछ नोटिस करता है। वो बोलता है कि ये तो काफ़ी कुछ ब्रोली की तरह लग रही है। केल के बर्सर्कर मोड में होने की वजह से उसकी ताकतें लगातार बढ़ रही होती हैं और वो इस ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, और इसी वजह से उसका गुस्सा भी लगातार बढ़ रहा होता है। सभी सुपर सैयन समझ जाते हैं कि शायद वो केल को नहीं हरा सकते। आखिरकार कलीफ्ला केल के नज़दीक जाने की कोशिश करती है। वो केल को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि केल, तुमने अपनी ताकतों को पहले भी कंट्रोल किया है, तुम एक बारी फिर से ऐसा कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आई हूँ। और ये बोलते बोलते कलीफ्ला केल के कंधे पर हाथ रखती है। केल को ये बर्दाश्त नहीं होता। केल इतने ज़बरदस्त गुस्से में होती है कि वो कलीफ्ला को भी नहीं पहचानती और बहुत ही ज़बरदस्त कोनी कलीफ्ला को मारती है। इससे कलीफ्ला बहुत दूर जाके गिरती है। केल का गुस्सा फिर से बढ़ने लग जाता है और एक बारी फिर से वो सुपर सैयन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो बहुत ही ज़बरदस्त पंच सुपर सैयन को मारने वाली होती है और आखिरकार सुपर सैयन गॉड काबा लड़ाई में इंटरफेयर करता है। वो एकदम से आके केल के हाथ को पकड़ लेता है। केल भले ही बर्सर्कर मोड में थी, पर फिलहाल काबा की ताकत उससे ज़्यादा है। काबा सभी के सभी सुपर सैयन्स को पीछे हटने के लिए बोलता है और उन सभी को समझा देता है कि इस लड़ाई को वो संभाल लेगा। काबा केल से बोलता है कि केल, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, इसे ख़त्म करने का समय आ गया। केल को कुछ समझ नहीं आता। काबा बोलता है, केल हम सभी सैयन्स हैं और एक सैयन होने के नाते हम सभी एक दूसरे से सिर्फ तभी लड़ते हैं जब हम ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हों और एक साथ लड़कर हम एक दूसरे की ताकतों को बढ़ा सकें। पर इस लड़ाई से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम लोग सिर्फ एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे ही काबा ये बोलता है, एकदम से केल की बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं।
ये चीज कालीफ्लावर भी नोटिस करती है और आखिरकार केल अपनी ताकतों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है। काबा और कालीफ्लावर ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वेजिटा भी स्पेस से ये सब कुछ देख रहा था और वो अपने स्टूडेंट को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्लैनेट सडाला की लेजेंडरी लड़ाई को मैं अपनी आंखों के सामने रुकते हुए देखूंगा। आखिरकार इस यूनिवर्स में आना मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। मैंने भी यहाँ पर आगे काफ़ी कुछ सीखा है, पर मेरा काम अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। इसके बाद हम लोग काबा और कालीफ्लावर को देखते हैं। कालीफ्लावर काबा को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही होती है। वो बोलती है, काबा तो क्या तुम एक गॉड बन गए हो? शायद तुम्हें लग रहा होगा कि तुम मुझे और केल को दोनों को एक साथ हरा सकते हो। ये बात सुन के काबा भी थोड़ा सा हैरान होता है। वो बोलता है कि सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता कि ये ताकत क्या है। ये ताकत मेरे लिए काफ़ी नई है और इसका इस्तेमाल मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। सच बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि अभी मैं इस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद कालीफ्लावर थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे ये बताओ कि हमारे प्लैनेट की तरफ इतनी जायंट बॉल किसने फेंकी थी? वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। तभी एकदम से वेजिटा प्लैनेट सडाला पे वापस आ जाता है और कालीफ्लावर के पीछे आके खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि वो बॉल मैंने फेंकी थी। कालीफ्लावर मुड़ के वेजिटा की तरफ देखती है और बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर एक अच्छी फाइट के लिए आए हो? वेजिटा बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है और मैं इस बात से हैरान नहीं हूँ। तुम बस ये कह सकती हो कि मैं यहाँ पर डिफेंस फोर्स को शेप में लाने के लिए आया हूँ। कालीफ्लावर इस बात पर हंसती है और बोलती है कि गुड लक, तुम्हें किस्मत की ज़रूरत पड़ेगी। भले ही ये लोग सुपर सेयर में बदल गए हों, पर ये सभी अभी भी पहले की तरह ही बेकार हैं। तुम्हें इन पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। वेजिटा कालीफ्लावर की बातों को सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये बात तुम अपने लिए भी कह सकती हो। यहाँ पर किसी को मेहनत करने की ज़रूरत है तो वो तुम हो। ये बात सुन के कालीफ्लावर को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? वेजिटा बोलता है कि तुम में बहुत ज़्यादा एरोगेंस है और बहुत ज़्यादा प्राइड है। मैं इस बारे में जानता हूँ, इसकी ताकतें और इसकी कमजोरियाँ भी। कालीफ्लावर बोलती है, ओल्ड मैन, मुझे लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। वेजिटा बोलता है कि असली गर्व इसमें है कि तुम लगातार खुद को पुश करते रहो, बिना सोचे कि तुम जीतोगे या हारोगे, और बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहो। तुम कह सकती हो कि ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है जिससे तुम प्रूव कर सकती हो कि तुम क्या कर सकती हो, पर क्या तुम में हिम्मत है? किसी भी नए सुपर सैयन को समझ नहीं आ रहा होता कि वेजिटा किस बारे में बात कर रहा है, पर काबा समझ जाता है कि वेजिटा कालीफ्लावर को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो उससे लड़ सके और वेजिटा के सामने अपनी ताकतों को प्रूव कर सके। ये बात केल भी समझ जाती है और वेजिटा से लड़ने के लिए आगे बढ़ रही होती है, पर कालीफ्लावर उसे रोक देती है। वो बोलती है, केल रुक जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत है। वेजिटा भी ये बात सुन के काफ़ी खुश होता है क्योंकि कालीफ्लावर ने वेजिटा के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। कालीफ्लावर और वेजिटा एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कालीफ्लावर एकदम से सुपर सेयर में ट्रांसफॉर्म होती है। वो बोलती है, ठीक है, पर इस बात को याद रखना कि इस लड़ाई को तुमने ही मांगा था। वेजिटा कालीफ्लावर की इस बात पर सिर्फ स्माइल करता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं याद रखूँगा। इसके बाद कालीफ्लावर और वेजिटा एक दूसरे को देखते हैं। वेजिटा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होता है और कालीफ्लावर एकदम से वेजिटा पर हमला करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि कालीफ्लावर अटैक करने के लिए वेजिटा की तरफ बढ़ रही होती है। वो एकदम से वेजिटा के नज़दीक जाती है और उसे पंच मारने ही वाली होती है, पर अचानक से ही वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वेजिटा के पीछे पहुंच जाती है। वेजिटा कालीफ्लावर की स्पीड से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता और स्माइल कर रहा होता है। कालीफ्लावर वेजिटा की गर्दन पर कराटे चॉप मारने की कोशिश करती है, पर वो सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि वेजिटा अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। कालीफ्लावर बोलती है कि ये तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ निकला। कालीफ्लावर लगातार वेजिटा पर हमला करने की कोशिश कर रही होती है और उस पर लगातार पंचेस बरसा रही होती है, पर वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म में होने के बावजूद भी कालीफ्लावर के अटैक्स को आराम से डॉच कर रहा होता है। कालीफ्लावर अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में है और वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म में है। इससे ये बात क्लियर है कि वेजिटा की नॉर्मल फॉर्म सुपर सैयन की फॉर्म से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। कालीफ्लावर वेजिटा पर लगातार पंचेस बरसा रही होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो वेजिटा को छू भी नहीं पा रही होती। वेजिटा बिल्कुल काम होता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सुपर सैयन में बदल सकती हो तो तुम मुझे हरा पाओगी? ये सच में मजाक वाली बात है। मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी ताकत से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हूँ। अब तक केल अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी होती है और वो वेजिटा और कालीफ्लावर की फाइट को देख रही होती है। वो भी अभी तक समझ चुकी होती है कि कालीफ्लावर वेजिटा के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही है। एकदम से कालीफ्लावर अपनी सुपर सैयन 2 की फॉर्म का इस्तेमाल करती है। वो बोलती है कि ठीक है, तो मैं सुपर सैयन 2 का इस्तेमाल करूँगी। जैसे ही कालीफ्लावर सुपर सैयन 2 में बदल के वेजिटा पे अटैक करती है, वेजिटा पहली बारी उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है,
और इस बारी वो थोड़ा सा स्माइल करता है, जिससे थोड़ा बहुत ये पता चलता है कि वेजिटा को इस फाइट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। वेजिटा कलीफ्ला को गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है कि कलीफ्ला, इससे साबित हो जाता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकती हो। मैं ये बात बोलना तो नहीं चाह रहा था, पर तुम मुझसे लड़ने के लायक भी नहीं हो। कलीफ्ला को वेजिटा की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लगता है तुम चाह रहे हो कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूं। तुम जैसा चाहते हो वैसा होगा। एकदम से कलीफ्ला पावर अप करने लग जाती है और हम कलीफ्ला को पहली बारी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। ये फॉर्म शायद उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद अचीव करी होगी। कलीफ्ला गुस्से में बोलती है कि वेजिटा, तुम देख सकते हो, यह है सुपर सैयन 3। केल भी इस फॉर्म को देख के हैरान होती है, क्योंकि कलीफ्ला ने केल के सामने भी इस फॉर्म का इस्तेमाल कभी नहीं किया होता। वेजिटा समझ जाता है कि अब ये फाइट थोड़ी सी सीरियस हो गई है, और इसके बाद वेजिटा अपनी डिस्ट्रक्शन की ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है। वो बोलता है, कलीफ्ला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है? कलीफ्ला वेजिटा पर अटैक करने के लिए फिर से बढ़ती है। वो वेजिटा को पंच मारने की कोशिश करती है, पर सुपर सैयन 3 में होने के बावजूद भी वो वेजिटा को छू भी नहीं पा रही होती, और वेजिटा कलीफ्ला के अटैक के सामने से बहुत ही आराम से हट जाता है। वेजिटा के रास्ते से हट जाने की वजह से कलीफ्ला का पंच ज़मीन पर लगता है और ज़मीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। कलीफ्ला को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो वेजिटा को अभी भी छू नहीं पा रही होती। कलीफ्ला को वेजिटा पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो वेजिटा को उकसाने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि ये कैसी फाइट है, तुम तो सिर्फ भाग रहे हो। मुझे लगता है कि तुम लड़ने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारे पास लड़ने की ताकत ही नहीं है, तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। वेजिटा एकदम से कलीफ्ला के सामने आ जाता है। वेजिटा अपनी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का इस्तेमाल करना भी बंद कर देता है और बोलता है कि अगर ऐसा होता तो ये फाइट तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होती, पर सच कहूँ तो खुद को दिलासा देना बंद कर दो। इसके बाद वेजिटा सिर्फ कलीफ्ला को छूता है और कलीफ्ला के सर पर बहुत ही गहरा निशान बन जाता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। वो वेजिटा के छोटे से अटैक से काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरती है। ये चीज़ बिल्कुल उसी तरीके से हो रही होती है जैसे गोकू और बीरस की फाइट में हुआ था। जैसे ही वेजिटा के अटैक के बाद कलीफ्ला खुद को संभालती है, वेजिटा एकदम से कलीफ्ला के पीछे पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पर कराटे चौप मारता है। जैसे ही वेजिटा उसकी गर्दन पर कराटे चौप मारता है, कलीफ्ला एकदम से बेहोश हो जाती है और अपनी सुपर सैयन 3 की फॉर्म से भी बाहर आ जाती है। और वेजिटा बोलता है कि इसी के साथ ये फाइट ख़त्म होती है। केल इस चीज़ को देख के हैरान रह जाती है और भाग के कलीफ्ला के पास जाती है। वेजिटा बोलता है कि ऐसा ही होता है जब तुम सुपर सैयन की ताकत का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कलीफ्ला बेहोश पड़ी होती है। वेजिटा केल और कलीफ्ला से बोलता है कि अपने आप को पुश करो और लगातार पुश करते रहो, जब तक पुश करो जब तक तुम टूट नहीं जाते और इसी तरीके से तुम ग्रो करोगे। केल कलीफ्ला को उठाती है और वहाँ से ले जाने लग जाती है। वो बोलती है, कलीफ्ला चिंता मत करना, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि एक दिन हम बहुत ज़्यादा ताकतवर बनेंगे, इतने ज़्यादा ताकतवर कि कभी तुम्हारे साथ कोई ऐसा ना कर पाए। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो कि अपनी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो बोलता है, काबा अपनी आंखें अब मुझ पर रखना। काबा बोलता है, जी सर। वेजिटा एकदम से लड़ाई के लिए सीरियस हो जाता है। वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तैयार होगे, तुम्हारा असली लेसन अब शुरू होने वाला है। इसके बाद हम स्पेस के दूसरे हिस्से में पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं एक प्लैनेट को जिसका नाम होता है प्लैनेट गार्डेनिया। इस प्लैनेट पर हम एक बुज़ुर्ग आदमी को देखते हैं जो कि समुद्र की तरफ देख रहा होता है। तब भी उसका ग्रैंडसन वहाँ पर आता है। वो बोलता है, ग्रैंडफादर, मैं यहाँ पर आपको देखने के लिए आया हूँ, क्या आप ठीक हैं या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? वो बुज़ुर्ग आदमी अपने ग्रैंडसन की तरफ देखता है और बोलता है, ट्रिगोन, मुझे तुम्हें देख के काफ़ी अच्छा लगा। इस बुज़ुर्ग आदमी का नाम ओरिगेनो होता है और वो अपने ग्रैंडसन से पूछता है कि ट्रिगोन, मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है, क्या मुझे उस बारे में बताना चाहोगे? ट्रिगोन बोलता है कि मुझे लगातार एक ड्रीम आता है। नहीं, वो एक तरीके की विजन है कि हमारे प्लेनेट पे एलियंस ने कब्जा कर लिया है। ओरिगेनो बोलता है कि वैसे ये हमारे पास्ट की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले हम लोग एक टेक्टेकेनियन नाम की एलियन रेस के साथ वॉर में थे। उस रेस ने हमारे प्लेनेट के रिसोर्सेज को हार्वेस्ट करने की कोशिश करी थी। उन्होंने जगह जगह पर एनर्जी डोम्स बना लिए थे और जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर उन्होंने सिटीज़ बनाने की कोशिश करी थी, जबकि हम इस प्लेनेट के लोग होने के बावजूद भी छुपे हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने एक स्पेशल तरीके के बॉम्ब को बनाया जो कि एक स्पेशल तरीके की गैस से भरा हुआ था। हम लोगों का गोल ये था कि इस प्लैनेट की प्लांट लाइफ ऐसी हो जाए कि वो टेक्टेकेनियंस के लायक ही ना रहे, पर उस समय हमें ये बात नहीं पता थी कि वो टेक्टेकेनियंस हमारे डोम्स के अंदर ही छुप गए हैं। और उस बॉम्ब के फटने के बाद हमारी स्पीशीज़ इस तरीके से इवॉल्व होने लगी कि हम लोग एक प्लांट बेस्ड हाइब्रिड स्पीशीज़ बन गए। ज़्यादातर टेक्टेकेनियंस उसके बाद मारे गए क्योंकि वो लोग इस तरीके से इवॉल्व नहीं हो पा रहे थे कि वो इस प्लैनेट की लाइफ के साथ सूट कर सकें। टीरेगन अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही,
कि अगर हमारे साथ एक बारी पहले ऐसा हो चुका है तो हम लोग इसके आगे के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं करते हैं, हम लोग पैसिफिस्ट बन के क्यों रह रहे हैं। हम लोगों को आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि ऐसा कुछ हमारे साथ फिर से ना हो पाए। ओरिगानो बोलता है कि हमने इस चीज़ का वादा किया था, हमारे एक्शन की वजह से हमारे काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, इसीलिए हमने कभी वॉर में पार्टिसिपेट ना करने का वादा किया था। टीरेगन बोलता है कि मैं जानता हूँ, इस बारे में आप मुझे पहले भी बता चुके हैं, हम लोगों ने एक रिबेलियन स्टार्ट करी थी और हमने अपनी नई एबिलिटीज़ का इस्तेमाल बदला लेने के लिए किया था। ओरिगानो बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, ये बात याद रखना कि हमारी गलती की वजह से कितने सारे लोग मारे गए थे, इसीलिए हमने सडाला डिफेंस फोर्स को अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है और तुम्हें प्लैनेट की सेफ्टी की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टीरेगन बोलता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप लोग प्लैनेट सडाला की फोर्स पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों हैं और आप लोग उन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं। ओरिगानो बोलता है कि उनकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसीलिए हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। टीरेगन बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, फिलहाल मैं वापस जाता हूँ, मुझे सभी के लिए पानी लेने जाना है, बे थाइम और सेज मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे तो मुझे जल्द से जल्द उनके पास पहुँचना चाहिए। ओरिगानो बोलता है कि टीरेगन याद रखना, उन गार्डियंस ने बदला लेने के लिए लड़ाई करी थी इसीलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी, पर दूसरों के लिए लड़ना उसे एक नोबल कॉज कहा जा सकता है। ट्रिगोन अपने ग्रैंडफादर के पास से जा रहा होता है और उसके ग्रैंडफादर उसे बस एक ही बात बोलते हैं, वो बोलते हैं ट्रिगोन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी बदला लेने के लिए मत लड़ना वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रिगोन अपने ग्रैंडफादर के पास से जाते जाते बोलता है कि थैंक यू ग्रैंडफादर, मैं इस बात को याद रखूंगा। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम रोजमेरी होता है, वो ट्रिगोन को हेलो बोलती है और ओल्ड मैन ओरिगानो का हालचाल पूछती है। वो बोलती है कि मुझे ये देख के अच्छा लगा कि तुम अपने ग्रैंडफादर से मिलने आए, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ पानी लेने के लिए जा रहे हो। ट्रिगोन बोलता है कि हाँ, हमें इस वक्त डबल काम करना पड़ रहा है। रोजमेरी बोलती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे लगा था कि हम दोनों मिलके थोड़ी सी बात कर पाएंगे। ट्रिगोन बोलता है कि हाँ, काश मैं एक ब्रेक ले पाता। तभी रोजमेरी बोलती है कि ट्रिगोन मुझे तुम्हारे दोस्तों ने कहा था कि उनके पास तुम्हारे लिए कोई न्यूज़ है, मुझे पूरी खबर तो नहीं पता पर ये बात ज़रूर किंग सडाला और किंग गार्डेनिया के बीच में होने वाली मीटिंग के बारे में है। ट्रिगोन बोलता है कि अच्छा, ये तो काफ़ी अजीब बात है, पर मुझे इस बारे में पहले बताने के लिए थैंक यू रोजमेरी। इसके बाद हम एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी को देखते हैं और हम कुछ लोगों को देखते हैं, ये लोग असल में ट्रिगोन के दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है बे, सेज और थाइम। जैसा कि ट्रिगोन ने बताया होता है, ये लोग पानी इकट्ठा कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर ट्रिगोन आ जाता है, वो सबको हाय बोलता है। तभी बे ट्रिगोन को बताता है कि ट्रिगोन हमारे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, किंग सडाला ने अपने डिफेंस फोर्स के सभी मेंबर्स को जो कि दूसरे प्लेनेट पे थे उन्हें इस प्लेनेट पे बुलाया है और वो लोग स्पेस में से पोर्टेबल बेस भी लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को आज ब्रेक नहीं मिलने वाला। सेज बोलता है कि लगता है आज हम कितना भी काम कर लें हमारा काम तो ख़त्म ही नहीं होने वाला। थाइम बोलता है कि सच बताऊं तो अगर मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा तो मेरे को तो कुछ भी चलेगा। ट्रिगोन थाइम से बोलता है कि यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें हम सब के लिए सिर्फ शांति चाहिए। थाइम स्माइल करता है और बोलता है कि ट्रिगोन ज़्यादा चिंता मत करो, हमेशा की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा कि हमेशा हो जाता है सडाला डिफेंस फोर्स की मदद से। ट्रिगोन बोलता है कि सच बताऊं तो मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं बस ये उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे तुम्हें ये ना बोलना पड़े कि मैंने पहले ही कहा था। इसके बाद हम गार्डेनिया किंगडम को देखते हैं, हम देखते हैं कि एक डोम होता है जो कि खुल रहा होता है। इसके बाद हम किंग गार्डेनिया को देखते हैं जो कि किंग सडाला से बात कर रहे होते हैं। किंग गार्डेनिया को अभी किंग सडाला की असलियत नहीं पता। किंग गार्डेनिया बोलते हैं कि मुझे लगता है कि टफल सच में एक बहुत ही बड़ा खतरा होंगे, तभी तुमने अपनी पूरी की पूरी आर्मी को यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम टफल्स की आर्मी को हरा सको, पर मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे बेस को सच में यहीं पे बनाना ज़रूरी है और हमारे डोम को खोलना क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी है। किंग सडाला बोलते हैं कि हाँ, ये सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा खतरा है। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने मुझे यहाँ से मेरी पूरी की पूरी आर्मी से कॉन्टैक्ट करने दिया ताकि मैं उन्हें यहाँ पर बुला सकूँ। मेरी पूरी की पूरी आर्मी ने ऑलरेडी प्लैनेट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है ताकि वो टफल्स के खतरे को पहले ही पहचान सके, उन्होंने पूरे के पूरे प्लैनेट को ऑलरेडी सराउंड कर लिया है। इसके बाद हम सैयंस की आर्मी को देखते हैं जिन्होंने पूरे के पूरे प्लैनेट को कवर कर रखा होता है, और हम एक बेस को भी देखते हैं जो कि प्लैनेट की तरफ बढ़ रहा होता है और वो बेस वहीं पर आ जाता है जहाँ पर किंग सडाला और किंग गार्डेनिया होते हैं और वो वहाँ पर आके लैंड करता है। किंग गार्डेनिया एकदम से हैरान रह जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये भूकंप कैसा है। किंग सडाला बोलते हैं कि वो हमारा बेस है, वो इस वक्त पूरे के पूरे डोम के एरिया को कवर कर रहा है ताकि वो उसे रिप्लेस कर सके, अब हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं। तभी किंग सडाला नोटिस करते हैं कि वहाँ पर स्कीरोड आ गया है, हम देखते हैं कि स्कीरोड अपने टफल वाली फॉर्म में होता है, वो बोलता है कि समय आ गया। सभी के सभी लोग स्कीरोड की फॉर्म को देख के हैरान रह जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये क्या है। स्कीरोड जिसकी बॉडी के अंदर ओरायन है वो सभी के सभी मेंबर्स को मारना शुरू कर देता है।
किंग गार्डेनिया को एकदम से कुछ भी समझ नहीं आता। वो बोलते हैं कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। एकदम से किंग सडाला की फॉर्म भी बदल जाती है और वो भी अपनी टफल्स वाली फॉर्म में आ जाते हैं। किंग सडाला की बॉडी के अंदर कामिन है। वो बोलते हैं कि टफल्स का इन्वेजन शुरू हो चुका है। किंग गार्डेनिया वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर कामिन एकदम से उन पर अटैक कर देती है और वो वहीं के वहीं मारे जाते हैं। किंग गार्डेनिया के मरते ही टफल्स अपना प्लान शुरू कर देते हैं और कामिन किंग सडाला की आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, गार्डेनियंस ने अपने किंग के खिलाफ बगावत कर दी है और अपने किंग को मार दिया है। हमें उन सभी को अभी के अभी पकड़ना होगा। सभी के सभी लोग यहाँ पर आ जाओ। सैयंस की सभी शिप्स एकदम से प्लेनेट गार्डेनिया की तरफ बढ़ने लग जाती हैं पर तभी वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी शॉकवेव आती है। किसी को भी समझ नहीं आता कि ये शॉकवेव आखिर कहाँ से आई है क्योंकि इस शॉकवेव से पूरा का पूरा प्लेनेट हिल गया होता है। किंग सडाला और स्किरॉड दोनों अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक फाइट जारी होती है और दो बहुत ही ताकतवर पंचेस टकराते हैं जिसके अंदर से ये शॉकवेव निकली थी। और तभी हम देखते हैं कि ये फाइट कहीं और नहीं प्लेनेट सडाला पर ही हो रही होती है। हम देखते हैं कि काबा अपने सुपर सैयन रेड फॉर्म में वेजिटा से लड़ रहा होता है। काबा बोलता है, मास्टर मैं पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। वेजिटा बोलता है कि अगर तुम अपनी इस ताकत से पूरे के पूरे यूनिवर्स को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। मैंने अपनी आंखों से ये खुद देखा है कि ये लेसन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम अपनी ताकत को सही तरीके से कंट्रोल करोगे और मेरी बॉडी के फोर्स को अच्छी तरीके से मैच कर पाओगे और सही एंगल्स में मेरे अटैक्स को रोक पाओगे तो कोई भी शॉकवेव नहीं निकलेगी। पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगे इस यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के, डायरेक्टली ना सही पर इनडायरेक्टली। तभी हम देखते हैं कि काबा के सुपर सैयन रेड फॉर्म का टाइम एकदम से ख़त्म हो जाता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वो बोलता है कि ये क्या हुआ, मेरी ताकत ख़त्म हो गई है पर मुझे लग रहा है कि मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। वेजिटा बोलता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी बॉडी ने सुपर सैयन रेड की फाइटिंग पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है और तुम्हारी बॉडी ने उस ताकत के साथ अडेप्ट कर लिया। कह सकते हो कि ये सैयन होने के कई फ़ायदों में से एक है। तुम्हारे अंदर अब काफ़ी सारी एनर्जी है और अगर तुम्हें सही गाइडेंस मिलेगी तो तुम कुछ ही समय में सुपर सैयन गॉड बनने में कामयाब हो जाओगे और अपने आप सुपर सैयन गॉड में बदल पाओगे। अब तुम गॉड्स की पावर को अचीव कर चुके हो और वो ताकत तुम्हारी बॉडी के अंदर है। अगर तुम उस ताकत को अपनी बॉडी के अंदर सील करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारे अपोनेंट को तुम्हारी एनर्जी महसूस नहीं होगी। तुम आराम से सुपर सैयन गॉड में बदल पाओगे। काबा ये बात सुन के हैरान रह जाता है। तो ठीक है, तुम एक बार फिर से मुझ पर अटैक करने की कोशिश करो पर इस बार जब तुम मुझ पर अटैक करोगे तो याद रखना कि तुम अपनी बॉडी के अंदर अपनी की को एकदम पीक पर रखो। इसके बाद हम काबा की हालत को देखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है। वो बोलता है कि मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मैं कितना और लंबा लड़ सकता हूं। मैं सच में बहुत ज़्यादा थक चुका हूं। वेजिटा काबा की बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और एकदम से काबा पे अटैक करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि तुम अपनी फाइट ऐसे लड़ो जैसे तुम्हारी ज़िंदगी इसी पे निर्भर करती है। काबा वेजिटा से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वेजिटा लड़ते लड़ते भी काबा को सिखाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम्हारी की तुम्हारी बॉडी के चारों तरफ फैली हुई है, तुम्हें उस की को अपनी बॉडी के अंदर कंटेन करना होगा। काबा बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है। वो बोलता है कि क्या आपको सच में लगता है कि ये मेरे लिए इतना ज़्यादा आसान है, कितने फालतू की बात है। वेजिटा बोलता है कि तो ठीक है, लगता है तुम्हें ऐसे ही मरना होगा, एक फेलियर की तरह जो कि अपनी पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। इसके बाद वेजिटा और काबा दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और दो पत्थरों पर जाके खड़े हो जाते हैं। एक बारी फिर से वेजिटा और काबा लड़ना शुरू करते हैं और दोनों के पंचेस टकराते हैं पर इस बारी काबा के अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत ख़त्म हो चुकी होती है और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। और जैसे ही काबा बेहोश होता है प्लेनेट सडाला की ग्रेविटी उसे खींचने लग जाती है और वो धरती पर जाके गिरने लग जाता है। और इसी के साथ वेजिटा और काबा की फाइट ख़त्म हो जाती है। काबा भले ही वेजिटा से हार गया हो पर उसने साबित कर दिया कि वो एक असली सैयन है। इससे पहले कि काबा ज़मीन से टकराए वेजिटा उसे रास्ते में ही पकड़ लेता है और काबा को साइड में रख देता है। वेजिटा बेहोश काबा की तरफ देखता है और स्माइल करता है। वो बोलता है कि इस बच्चे के अंदर इतनी बहादुरी है जितनी यूनिवर्स 7 के किसी सैयन में नहीं थी। मेरे फादर और सैयन रेस वो मेरे लिए हमेशा से ही डिसअपॉइंटमेंट का कारण रहे हैं, इसीलिए मैं राजा बनना चाहता था ताकि मैं अपने फादर की गलतियों को सही कर सकूं। मेरे फादर एक बहुत ही कमज़ोर राजा थे। मैं यूनिवर्स 6 के सैयन्स को बता तो नहीं सकता पर यूनिवर्स 6 के सैयन्स यूनिवर्स 7 के सैयन्स से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, इसीलिए मुझे इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसके बाद वेजिटा काफ़ी गहरी सोच में पड़ जाता है। वो बोलता है, काबा मुझे लगता है कि तुम भी कहीं ना कहीं जानते हो कि ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि टफल्स एक बहुत ही बड़ी दिक्कत पैदा करने वाले हैं। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे नए सुपर सैयन्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इतने सारे सुपर सैयन्स को एक साथ ट्रेनिंग करते हुए हम पहली बारी देखते हैं। हम देखते हैं कि करीफला और केल भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं।
कलीफ्ला और केएल दोनों को एक साथ ट्रेनिंग करते हुए शायद हम पहली बार ही देखते हैं, और दोनों ही अपनी जी जान से ट्रेनिंग कर रही होती हैं क्योंकि वो वेजिटा के सामने खुद को साबित करना चाहती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग सडाला किसी सैयन से बात कर रहे होते हैं। वो सैयन बोलता है कि सर वो शॉक वेव्स प्लैनेट सडाला से ही आई थी। किंग सडाला बोलते हैं कि अच्छा, मुझे ये अपडेट देने के लिए शुक्रिया, अब जाओ और उन गार्डियंस को पकड़ो। इसके बाद स्कीरॉट की बॉडी में ओरायन कामिन के पास आता है और बोलता है कामिन एक दिक्कत हो गई है, वो बेकार मशीन अब काम नहीं कर रही है। ये बात सुन के कामिन एकदम हैरान रह जाती है। तभी उनके बीच एक शख्स आता है, वो बोलता है कि शायद मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। हम देखते हैं कि ये एक टेक टेकेनियन होता है। वो टेक टेकेनियन मशीन पर काम करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में मशीन ठीक हो जाती है। वो बोलता है कि ये मशीन अब ठीक हो चुकी है, अगर तुम चाहो तो मैं इस मशीन को बेहतर बना सकता हूँ हर तरीके से। कामिन बोलती है कि हम सभी जानते हैं कि तुम ये अपने दिल की अच्छाई से तो नहीं कर रही हो, इसमें तुम्हारा ज़रूर कोई फ़ायदा है, या फिर तुम्हें हमसे कुछ चाहिए, बताओ कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। और आयन बोलता है कि हाँ, ये बात तो सच में काफ़ी अजीब है कि तुम हमारी हेल्प ऐसे ही कर रहे हो। टेक्टेकेनियन बोलता है कि मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे ऑलरेडी दे चुके हो, मैं इन लोगों से बदला लेना चाहता था और वो एक तरीके से मुझे मिल चुका है, पर अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो मुझे एक गार्डियन की ज़रूरत है जो कि सैयन से नफरत करता हो, वो मुझे अपने प्लान के लिए चाहिए। अगर तुम मुझे एक ऐसा गार्डियन ला के दे सकते हो तो मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हारी काफ़ी मदद कर सकता हूँ, और वैसे भी हम टेक्टेकेनियंस और तुम टफल्स में काफ़ी सारी समानताएँ हैं। प्लैनेट गार्डेनिया पर आने से पहले हम लोग भी दूसरे के प्लैनेट्स के रिसोर्सेज को हार्वेस्ट करते थे ताकि उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम अपने फ़ायदे के लिए कर सकें, पर इस प्लैनेट पर आने के बाद हमारी रेस का ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खात्मा हो गया। कामिन बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम और हम एक जैसे हैं तो तुम गलत हो, हम लोगों में बहुत सारे अंतर हैं। और आयन बोलता है कामिन वो शॉकवेव प्लैनेट सडाला से आई थी, क्या तुम्हें लगता है कि प्लैनेट सडाला ख़त्म हो चुका है? अगर ऐसा हुआ है तो हमारे प्लान्स थोड़े से ख़राब हो जाएंगे। कामिन बोलती है कि ऐसा हो सकता है, पर इतनी बड़ी शॉकवेव सिर्फ एक प्लैनेट के एक्सप्लोजन से नहीं आ सकती। टेक्टेकेनियन बोलता है कि मैंने सभी सैयंस की शिप्स को देखा है और वो कम्युनिकेशन के लिए एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, और वही सेम नेटवर्क उनकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी काम आता है। अगर किसी तरीके से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोड मेरे हाथ लग जाए तो मैं प्लैनेट सडाला की सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू प्लैनेट सडाला को देख सकता हूँ। कामिन बोलती है कि क्या तुम उस रोबोट के बारे में बात कर रहे हो जो कि हर शिप पर होता है? हमने उस रोबोट को बंद कर दिया है। ये बोलने के बाद कामिन टेक्टेकेनियन को उस रोबोट के पास ले जाती है और बोलती है कि चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद टेक्टेकेनियन अपना काम शुरू करता है और कुछ ही देर में बोलता है कि ये तो बच्चों का खेल था, ये काम हो चुका। इसके बाद वो रोबोट चालू हो जाता है और एकदम से एक प्रोजेक्शन दिखाने लग जाता है। उस प्रोजेक्शन में हम प्लैनेट सडाला को देखते हैं। टेक्टेकेनियन, कामिन और ओरायन वो सभी उस प्लैनेट को देख रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फुटेज आती है। हम देखते हैं कि वेजिटा काफ़ी सारे सैयंस के सामने खड़ा होता है। कामिन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो किसे देख रही है। वो बोलते हैं कि क्या वो वही है? इसके बाद वेजिटा का चेहरा और ज़्यादा साफ होने लग जाता है। जैसे ही वो लोग वेजिटा के चेहरे को देखते हैं वो मशीन एकदम से एक्सप्लोड कर जाती है। कामिन, टेक्टेकेनियन और ओरायन तीनों के तीनों हैरान रह जाते हैं कि वो किसे देख रहे हैं, और तभी एकदम से वो एक्सप्लोजन हुआ होता है। उस रोबोट में इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होता है कि दीवार भी टूट जाती है। कामिन सोचने लग जाती है कि वो वेजिटा तो नहीं था जो कि यूनिवर्स 7 से है। इसके बाद वो टेक्टेकेनियन को एक ऑर्डर देती है। वो बोलती है कि मुझे प्लैनेट सडाला की सारी फुटेज अभी के अभी चाहिए। टेक्टेकेनियन बोलता है कि ज़रूर। इसके बाद हम सैयंस की काफ़ी सारी शिप्स को देखते हैं जो कि ट्रिगॉन और उसके दोस्तों का पीछा कर रही होती हैं। ट्रिगॉन, रोजमेरी, बे, सेज और थाइम सारे अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, और ट्रिगॉन बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था, मुझे कहने का मौका मिल गया कि मैंने तुम्हें सैयंस के बारे में पहले ही बताया था। एकदम से वो लोग भाग के ट्रिगॉन के ग्रैंडफादर के घर जाते हैं और ट्रिगॉन के ग्रैंडफादर पूछते हैं कि क्या हुआ, आखिर क्या चल रहा है। ट्रिगॉन अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि सैयंस ने हमें धोखा दे दिया है, मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ऐसा ज़रूर होगा, और अब हम पर अटैक हो रहा है। ट्रिगॉन का ग्रैंडफादर ओरिगानो ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये गलत है, ज़रूर इसके पीछे कोई कारण होगा। ट्रिगॉन बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका क्या कारण है, मैं उन लोगों से लड़ने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सैयंस वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनमें से एक ने रोजमेरी को पकड़ लिया होता है। रोजमेरी बोलती है कि मुझे जाने दो। एक सैयन अपने साथियों से बोलता है कि दोस्तों मुझे लग रहा है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, मुझे ये सब कुछ सही नहीं लग रहा। ट्रिगॉन ऑलरेडी सैयंस को पसंद नहीं करता और अब उसे सैयंस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि रोजमेरी को छोड़ दो। इसके बाद वो सैयन से लड़ना शुरू कर देता है। इससे पहले कि ट्रिगॉन रोजमेरी को बचा सके सैयन उस पर हमला कर देता है और उसे काफ़ी चोट लगती है। तभी हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज होती है और गुस्से की वजह से ट्रिगॉन की बॉडी में एकदम से बदलाव आने लग जाते हैं।
और उसकी बाल और बॉडी चमकने लग जाती है। वो बोलता है कि तुम लोग मॉन्स्टर्स हो, हम लोग तुम पे ट्रस्ट करते थे, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। एक सैयन बोलता है कि बच्चे शांत हो जाओ, हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं, हम सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ट्रिगॉन एकदम से अलग दिखने लग जाता है और ट्रिगॉन एक तरीके के सुपर गार्डियन में बदल चुका होता है। वो सैयन ट्रिगॉन को देखकर एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और रोजमेरी इस मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग जाती है। ट्रिगॉन सैयन से बोलता है कि मैं बात नहीं करना चाहता। सभी सैयन समझ जाते हैं कि ये गार्डियन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। एक सैयन बोलता है कि ये काफ़ी गड़बड़ वाली बात है। दूसरा सैयन बोलता है कि चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं लड़ सकते। एकदम से ट्रिगॉन सैयन्स पे हमला करना शुरू कर देता है और सभी सैयन्स के पीछे पहुंच जाता है। वो बोलता है कि मैं अपनी बातों को दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, मैं फालतू की बातें नहीं करना चाहता। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर ट्रिगॉन सभी के सभी सैयन्स को पीट देता है। सभी के सभी सैयन्स बहुत ही बुरी हालत में ज़मीन पर पड़े होते हैं और एक सैयन किंग सडाला को मैसेज भेजता है कि सर हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। ट्रिगॉन उसी सैयन को देख रहा होता है। रोजमेरी ओल्ड मैन से पूछती है कि ट्रिगॉन के साथ आखिर ये क्या हुआ। ओल्ड मैन ओरिगानो सबको बताता है कि ट्रिगॉन एक गॉडली गार्डियन में बदल चुका है, उसने सूरज की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, पर वो जितनी ज़्यादा देर इस फॉर्म का इस्तेमाल करेगा उसकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होती जाएगी, यानी उसके शरीर का पानी सूखने लग जाएगा, वो उतनी ही जल्दी जल जाएगा और उसकी बॉडी की ताकत ख़त्म हो जाएगी। ओल्ड मैन ओरिगानो ने ट्रिगॉन को पहले ही बताया था कि वो बदले की भावना से नहीं लड़ सकता। सेज बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि सैयन्स ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी है, हमें ट्रिगॉन की बात पहले ही सुननी चाहिए थी। थाइम बोलता है कि हमें जल्द से जल्द छुपने की जगह ढूंढनी होगी और यहाँ से जाना होगा, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। ओरिगानो बोलता है कि मैंने सैयन्स की बात को सुना था और वो बोल रहे थे कि उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें जल्दी पता चल जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके बाद हम ट्रिगॉन को देखते हैं जो कि एक गॉडली गार्डियन की फॉर्म में होता है और तभी हम देखते हैं कि एक सैयन वहाँ पर उससे लड़ने आया होता है और ये होता है सैयन्स का किंग, किंग सडाला। ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किंग सडाला की बॉडी में कामिल है जो कि एक टफल है, पर ये बात कोई और सैयन या गार्डियन नहीं जानता। किंग सडाला ट्रिगॉन को देखकर बोलता है कि लगता है तुम कोई साधारण गार्डियन नहीं हो। इसके बाद किंग सडाला ट्रिगॉन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। किंग सडाला हंसता है और बोलता है कि लगता है इतना सब कुछ होने के बाद तुम हम सैयन से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते होगे, लगता है तुम उस घर के अंदर कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये बोलकर किंग सडाला एकदम से एक अटैक बनाता है, पर इससे पहले कि ट्रिगॉन कुछ कर पाए एकदम से किंग सडाला ये अटैक उस घर पर शूट कर देता है। ट्रिगॉन के सामने उसके ग्रैंडफादर और उसके दोस्त सभी के सभी मारे जाते हैं। इस बात पर ट्रिगॉन को विश्वास नहीं हो रहा होता। एकदम से वो अटैक करने के लिए किंग सडाला की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, पर जैसे ही ट्रिगॉन अटैक कर रहा होता है उसकी बॉडी में कुछ होता है और एकदम से उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, वो एकदम से जलकर ज़मीन पर गिर जाता है। किंग सडाला खुद को ट्रिगॉन से बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो बोलता है कि लगता है तुम्हारी बॉडी गर्म हो गई। ऐसा लगता है कि किंग सडाला इस बारे में पहले से ही जानता था। आखिरकार ओल्ड मैन ओरिगानो ने जो कहा था वो बात सच हो गई, ट्रिगॉन बदले की भावना से लड़ रहा था इसीलिए उसकी बॉडी जल गई। किंग सडाला ट्रिगॉन की बॉडी के पास जाता है और उसको सर से उठाता है। वो बोलता है कि तुम हमारे जिंदा काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हो। वो ट्रिगॉन की बॉडी को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद हम एक बंकर को देखते हैं, उसके अंदर बेसेस थाइम और रोजमेरी होते हैं और उनके साथ ओल्ड मैन ओरिगानो भी होता है। ये सभी लोग जिंदा हैं क्योंकि सभी लोग अटैक से पहले ही उस घर से निकल गए थे। बे बोलता है ओल्ड मैन क्या तुम्हें अब विश्वास हो गया कि सैयन्स हमारे खिलाफ हो गए हैं। ओरिगानो बोलता है नहीं, मुझे इस बात पे अभी भी विश्वास नहीं है, पर फिलहाल हम छुपे रहेंगे। इसके बाद हम किंग सडाला को देखते हैं जो कि ट्रिगॉन की बॉडी को लेकर अपने बेस पर पहुंच चुका होता है। वो इसके बाद स्किरॉट की तरफ बढ़ता है। स्किरॉट बोलता है कि अच्छा वापस आ गए, हमने पूरी की पूरी फुटेज देखी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लगता है बाहर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं। किंग सडाला एकदम से ट्रिगॉन की बॉडी को ज़मीन पर फेंक देता है। एकदम से टेक्टेकेनियन वहाँ पर आता है। वो बोलता है कि इसकी बॉडी तो पूरी तरीके से जली हुई है, लगता है ये गार्डियन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था, पर ये अभी भी जिंदा है। मैं इस पावर के बारे में पहले से ही जानता हूँ, हमें जिस ताकत की ज़रूरत थी ये वही ताकत है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। किंग सडाला सीरियस होता है और वो टेक्टेकेनियन से बोलता है कि तुम इसके साथ जो करना चाहते हो वो करो, पर ये बात याद रखना कि तुम हमारे लिए काम करते हो। टेक्टेकेनियन बोलता है कि हाँ मैं ये बात याद रखूँगा। स्किरॉट की बॉडी में ओरायन बोलता है कामिन हमने अपनी मशीन को टेस्ट किया था, तुम्हें शायद वो साइंटिस्ट याद होगा जिसे हमें प्रोग्राम करने के लिए हायर किया गया था, मैंने उसके ब्लड को बचा रखा था और मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग खुद भी करी है। अब हम उसे सडाला की तरफ भेज रहे हैं ताकि हम अपनी मशीन की इफेक्टिवनेस को चेक कर सकें, इससे हम किसी भी अच्छे टफल की जान को नहीं गंवाएंगे। किंग सडाला उस साइंटिस्ट की तरफ देखता है और बोलता है पाम तुम्हारे पास तुम्हारे ऑर्डर्स हैं, तुम अभी जाओ, तुम्हारे पास अब एक नई बॉडी है इसीलिए तुम्हें स्पेस में सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ एक बात याद रखना,
अगर तुम उस वेजिटा को ख़त्म नहीं कर पाए तो वापस आने की जरूरत नहीं है। जैसे ही डॉक्टर पाम को अपने ऑर्डर्स मिलते हैं, वो एकदम से प्लैनेट गार्डेनिया से निकल जाता है। किंग सरडाला आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे इस पपेट पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये मशीन सिर्फ टफल्स को ज़िंदा करने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, क्योंकि हम ही लोग यूनिवर्स की सुपीरियर पावर हैं। पर इस वेजिटा ने ऑलरेडी साइंस की पावर को काफ़ी ज़्यादा हाइट्स तक पहुँचा दिया है, पर यह ताकत हमारे कितने काम आती है ये बात अलग है। तभी एकदम से किंग सरडाला को कुछ याद आता है। एक शख्स था जिसने वेजिटा को एक बारी हराया था। किंग सरडाला हंसता है और बोलता है कि मुझे समझ आ गया कि हमें किसकी ज़रूरत है। इसके बाद हम एक प्लैनेट को देखते हैं। वहाँ पर एक शख्स खड़ा होता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। हम देखते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं हिट है और उसका नेक्स्ट टारगेट है वेजिटा। वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके बाद करीब 2 दिन बीत जाते हैं और हम प्लैनेट सरडाला को देखते हैं। हम देखते हैं कि पाम प्लैनेट सरडाला के बाहर खड़ा होता है और वो प्लैनेट सरडाला की तरफ देख रहा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा भी आसमान की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि लगता है मुझसे यहाँ पर कोई मिलने आया है। इसके बाद हम वापस प्लैनेट गार्डेनिया पर आ जाते हैं और टेक्टेकेनियन बोलता है कि लगता है पाम प्लैनेट सरडाला तक पहुँच चुका है। स्कीरोड बोलता है कि क्या तुम्हें इस मशीन पर पूरा विश्वास है कि ये अच्छे तरीके से काम कर रही है? टेक्टेकेनियन बोलता है कि हाँ, मुझे अपनी मशीन पर पूरा विश्वास है। पाम भले ही तुमसे ज़्यादा ताकतवर ना हो, पर वो एटलीस्ट तुम्हारे जितना ताकतवर ज़रूर है। किंग सरडाला बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब हमें पता चल जाएगा कि हम किससे लड़ रहे हैं। वेजिटा ने कहा था कि साइंस की एबिलिटीज़ हर फाइट के साथ इवॉल्व होती है और उनकी ताकत भी हर फाइट के साथ बढ़ती चली जाती है। आज ये बात साबित हो जाएगी और हम उस ताकत के बारे में नहीं भूल सकते जो ताकत उसने कुछ ही दिनों पहले दिखाई थी। हमें ये बात याद रखनी होगी कि ये वेजिटा वो नहीं रहा जिसे हमने गॉड ट्यूब पर देखा था। स्कीरोड बोलता है कि लगता है टफल्स को फाइट करने में जितना मज़ा आता है उससे ज़्यादा मज़ा साइंस को आता है। देखते हैं कि आखिरकार ये साइंस क्या कर सकता है। मुझे लगता है कि ये हमारे जितना ताकतवर तो हो सकता है, पर जितना मज़ा हमें फ़ाइट करने में आता है शायद उसे उतना मज़ा नहीं आता होगा। हम लोग वापस प्लैनेट सरडाला पर आ जाते हैं। पाम इस वक्त वेजिटा के सामने खड़ा होता है। वेजिटा पूछता है कि तुम आखिर कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पाम बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मुझे तुम्हें ये बात बताते हुए काफ़ी बुरा लग रहा है, पर तुम अब मरने वाले हो। ये बोलते ही पाम एकदम से वेजिटा पर हमला करना शुरू कर देता है, पर वेजिटा उसके पहले अटैक को बहुत ही आराम से रोकने में कामयाब हो जाता है। पाम को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वेजिटा ने उसके अटैक को कैसे रोक लिया। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है? वेजिटा बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम उन डरपोक टफल्स के लिए काम करते होगे। पाम बोलता है कि अच्छा, तो तुम हम टफल्स के बारे में पहले से ही जानते हो। वेजिटा पाम के अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है और इसके बाद वो पाम के पीछे जाता है और उसे बहुत ही खिंचा के लात मारता है। ये लड़ाई वेजिटा के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि पाम को इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। एकदम से वेजिटा पाम के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसके सामने पहुंचकर वो एकदम से उसके सर को कुचल देता है। वेजिटा ऑलरेडी जानता है कि टफल्स कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए वो टफल्स को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता। पाम को हराने के बाद वेजिटा बोलता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर तो जरा से भी बैटल स्पिरिट नहीं है, और एकदम से वेजिटा अपनी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का इस्तेमाल करता है। वो बोलता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। जैसे ही वेजिटा पाम पर अपनी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला होता है, वो एकदम से लिक्विड में बदल जाता है और वेजिटा मुड़ जाता है। वो उसे जीने का एक और मौका दे रहा है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर पाम वहाँ से भाग जाता है। वेजिटा बस हल्की सी स्माइल करता है। वो वापस मुड़कर पाम को जाते हुए देखता है और बोलता है कि बिल्कुल सही, जल्दी से भागकर अपने मम्मी डैडी के पास जाओ। इसके बाद हम एकदम से काबा को देखते हैं। काबा वेजिटा पर चिल्लाता है और बोलता है कि आपने उसे जाने क्यों दिया? वेजिटा बोलता है, चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया है। टफल्स को पता होना चाहिए कि वो किससे पंगा ले रहे हैं, और वैसे भी जिस टफल से मैं अभी लड़ रहा था वो हमारे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। उसकी बॉडी के अंदर ज़रा से भी फाइटिंग स्पिरिट नहीं थी। इसके बाद हम ओरायन और कामिन को देखते हैं। वो देखते हैं कि वो टफल अपनी जान बचाकर भाग रहा है। कामिन बोलती है कि मुझे पता था कि वो पपेट हमारे किसी भी काम का नहीं है। वेजिटा बिल्कुल सही बोल रहा था, भले ही इस पपेट के पास हमारी ताकत हो, पर वो एक वॉरियर नहीं था। ओरायन बोलता है कि अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या साइंस के पास हमारे से ज़्यादा स्पिरिट है? इसके बाद हम टेक्टेकेनियन को देखते हैं। वो बोलता है कि अब हम तैयार हैं। ओरायन और कामिन भी एकदम से तैयार हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, समय आ गया है कि इन बॉडीज़ का हम इस्तेमाल करके देखें कि ये क्या कर सकती हैं। इसके बाद हम साइंस की स्पेसशिप को देखते हैं। हम देखते हैं कि सभी के सभी साइंस मिलकर गार्डियंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें किंग सरडाला ने ऐसा करने का ऑर्डर दिया है। एक साइंस बोलता है कि पता नहीं सारे के सारे गार्डियंस कहाँ चले गए, ऐसा लग रहा है कि वो एकदम से बस गायब हो गए। दूसरा साइंस बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, अब तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें ढूंढने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसा लगने लगा है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सच बताऊं तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि गार्डियंस किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तीसरा सैयन बोलता है कि सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी बात सही नहीं लग रही। मैंने सुना है कि एक गार्डियन ने 4 एलीट सैयन्स को बहुत ही आराम से हरा दिया।
इसके बाद हम ओरिगैनो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो कहीं पर सो रहा होता है और इस वक्त वो सैयन से छुपा हुआ है। इसके बाद हम किंग सडाला और स्किरॉट को देखते हैं जो कि अब अपने असली रंग दिखाना शुरू कर रहे हैं। स्किरॉट बोलता है कि क्या तुम सैयंस कुछ भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, मुझे माफ़ करना, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेकार था। किंग सडाला बोलता है कि ये सैयंस अपने आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद किंग सडाला और स्किरॉट यानी कि ओरायन और कामिन दोनों ज़मीन पर उतरते हैं। कामिन बोलती है कि तुम अपने छोटे से दिमाग से सोच भी नहीं सकते हो कि तुम लोग कितने ज़्यादा कैपेबल हो और क्या क्या कर सकते हो, पर चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करने में। इसके बाद हम टैक्टिक इंजन को देखते हैं। उसके हाथ में एक मशीन होती है, वो इस मशीन से सभी के सभी सैयंस और सैयंस की स्पेसशिप पे हमला कर देता है। इस मशीन का हमला होते ही सारे की सारी सैयंस की स्पेसशिप एकदम से कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और एकदम से वाइब्रेट करने लग जाती हैं। उन सभी के कंट्रोल्स काम करना बंद कर देते हैं। सैयंस भी इस मशीन की ताकत से थोड़े से हैरान होते हैं और सभी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कामिन एकदम से अपनी टफल की फॉर्म में आ जाती है। वो बोलती है कि अब तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है सैयंस। टफल्स का प्लान शायद ये होगा कि वो सभी के सभी सैयंस की स्पेसशिप को ख़राब कर दें ताकि वो इस प्लैनेट को छोड़ के कहीं ना जा पाएं और वो उनकी बॉडी का इस्तेमाल कर सके ताकि वो टफल्स की रेस को फिर से वापस ला सकें। कामिन एकदम से एक सैयन के सामने जाती है और बोलती है कि बिल्कुल सही समझे, तुम्हारा किंग अब तुम्हारा किंग नहीं रहा। एकदम से कामिन चिल्लाती है और बोलती है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तुम लोग अपनी पूरी की पूरी जान लगा देना क्योंकि मुझे तुमसे एक अच्छी फाइट चाहिए। सैयंस अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं पर कामिन किसी पे भी रहम नहीं कर रही होती और एक एक करके सैयंस को मारने लग जाती है। और आयन भी स्किरॉट की बॉडी का इस्तेमाल करके बिल्कुल सेम चीज़ कर रहा होता है और बाकी सैयंस को पीट रहा होता है। एकदम से सभी के सभी सैयंस कामिन और आयन को घेर लेते हैं और एक साथ मिलकर उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। एक सैयन जाकर कामिन के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त लात मारता है और दूसरा सैयन ओरायन को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। वो दोनों ही उड़ते हुए एक पहाड़ी की तरफ जाते हैं और दोनों उस पहाड़ी से जाके टकरा जाते हैं। ये पंच और लात इतने ज़बरदस्त थे कि उस पहाड़ पे एकदम से बहुत बड़ा धमाका होता है। आखिरकार कामिन को समझ आने लग जाता है कि सैयंस को फाइट करना इतना ज़्यादा पसंद क्यों है। वो बोलते हैं कि अच्छा, ये होता है एक सैयन होने का मतलब। ये बोलकर वो एकदम से चिल्लाती है। हम ओरायन को देखते हैं, वो जाके बाकी बचे हुए सैयंस का खात्मा कर रहा होता है और कामिन चिल्लाकर अपनी बॉडी से इतना ज़बरदस्त फोर्स निकालती है कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। आखिरकार ओरायन और कामिन दोनों मिलकर सभी के सभी सैयंस को हरा देते हैं। हम देखते हैं कि सभी के सभी सैयंस ज़मीन पर बेहोश पड़े हैं और ओरायन बोलता है कि तुमने तो इन सभी को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। कामिन बोलती है कि बिल्कुल सही कहा, मुझे माफ़ करना, लगता है मैं ताकत की वजह से बहक गई थी। कामिन इसके बाद स्माइल करती है और बोलती है कि हमें जो करने की ज़रूरत थी वो सब कुछ हम कर चुके हैं और अब हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए था। लगता है समय आ गया है कि टफल्स की रेस को फिर से ज़िंदा किया जाए। ये बात किसी तरीके से ओल्ड मैन ओरिगैनो भी सुन लेता है और आखिरकार गार्डियंस को समझ आ जाता है कि टफल्स का आखिर क्या प्लान था और सैयंस ने उन्हें धोखा नहीं दिया। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो कि अभी भी सभी सैयंस को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो सभी सैयंस से बोलता है कि सभी लोग तैयार रहो, उस कमज़ोर टफल को तुम्हारा मोटिवेशन ख़राब करने मत देना, चलो फिर से काम पे लग जाओ। एकदम से वेजिटा को कुछ महसूस होता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए उसे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच लगता है। ये पंच वेजिटा के हार्ट के नज़दीक लगा होता है और ऐसा लगता है कि इस अटैक की वजह से वेजिटा को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। वेजिटा एकदम से जाकर एक बहुत ही बड़ी चट्टान से टकराता है और उस चट्टान के भी टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वेजिटा अब बेहोश हो चुका है। काबा चिल्लाता है एकदम से मास्टर, तभी हम देखते हैं कि ये काम हिट का था। वो बोलता है बच्चे मुझे माफ़ करना, पर ये पर्सनल नहीं था, ये मुझे असाइनमेंट दिया गया था। तभी हम वेजिटा को देखते हैं जो कि सर नीचे करके हंस रहा होता है, यानी कि उसे हिट के अटैक से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वेजिटा एकदम से अपना सर उठाता है और हिट की तरफ देखता है। वो बोलता है अच्छा, तो तुमने सीधा मेरे वाइटल्स पे अटैक किया था। इसके बाद वेजिटा खड़ा होने लग जाता है। वो बोलता है हिट, तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, इस अटैक की वजह से एक गॉड भी मारा जा सकता था, पर तुम इस अटैक से मुझे नहीं मार सकते। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट कर रहा हूँ और तुम्हारा मुझे मारने का प्लान बर्बाद हो गया, पर अब मैं वो वेजिटा नहीं रहा जो उस फालतू के टूर्नामेंट के दौरान था। वेजिटा यहाँ पर यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहा है। मेरी बॉडी कंटिन्यूस बैटल और ट्रेनिंग की वजह से इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि मेरी बॉडी में अब कोई भी वाइटल पॉइंट्स नहीं है। हिट जैसे ही ये बात सुनता है वो एकदम से हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारी बात सच है या झूठ है। वेजिटा बोलता है हाँ ज़रूर, तुम्हारा स्वागत है। हम देखते हैं कि हिट के अटैक की वजह से वेजिटा का आर्मर भी टूट चुका होता है जो कि उसे वीस ने गिफ्ट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हिट वेजिटा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है
और लगातार वेजिटा को पंचेस लग रहे होते हैं, पर वेजिटा को हिट के अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि वो बिल्कुल शांत खड़ा होता है और इसके बाद वो धीरे धीरे करके हिट की तरफ बढ़ने लग जाता है। हिट के अटैक अभी भी वेजिटा को लग रहे होते हैं, पर वेजिटा की बॉडी के चारों तरफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी होती है और हिट का जो भी अटैक वेजिटा से टकरा रहा होता है वो बर्बाद होता जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा आखिरकार अपनी नई फॉर्म दिखाता है, जिसे कहते हैं अल्ट्रा ईगो। ये फॉर्म वेजिटा किसी के भी सामने पहली बार शो कर रहा होता है, इसीलिए हिट और काबा दोनों के दोनों इस फॉर्म को देख के हैरान रह जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक सैयन होने का क्या मतलब होता है। ये बोलते बोलते वेजिटा हिट के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाता है और हिट एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटा एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है और इस पंच को हिट को मारता है। वेजिटा के अटैक को देख के पता चल रहा होता है कि यह अटैक भी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से बना है। वेजिटा का अटैक इतना ज़बरदस्त था कि हिट दूसरे प्लैनेट पे पहुंच जाता है और वहां पर जाके टकराता है। हिट को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि वेजिटा की ताकत इतने कम समय में इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, पर वेजिटा जानता है क्योंकि वो एक सैयन है। वेजिटा एक ऐसा सैयन है जो कि लगातार ट्रेन करता है और ख़ुद को बेहतर बनाता रहता है, और उसने अब सैयन की ताकत की ऐसी हाइट्स को अचीव कर लिया है जो आज तक दूसरा कोई और सैयन नहीं कर पाया। इसके बाद वेजिटा भी हिट की तरफ जाने के लिए बढ़ता है और एकदम से दूसरे प्लैनेट पे पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिट वेजिटा के अटैक के बाद खड़ा होता है और वेजिटा उसके सामने ही खड़ा था। हिट बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हारे जितने ताकतवर शख्स से लड़ रहा हूँ। पर तभी एकदम से हिट अपने टाइम स्टॉप करने की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि पर इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो, मैं एक मल्टीवर्सल लेवल का असैसिन हूँ। मैंने अपने लाइफ टाइम में इतने खतरनाक चैलेंजेस का सामना किया है जो कि कोई और एक लाइफ टाइम में फेस करने का सोच भी नहीं सकता। मेरे सामने आए हर चैलेंज का मैंने खुल के स्वागत किया और इसी वजह से मैं आज इतना ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। और अब मुझे किसी को हराने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है और वो होता है समय। वेजिटा हिट की बातों पर हंसता है और बोलता है कि अच्छा तो ऐसा है, मैंने तुम्हें समय दिया कि तुम मेरी ताकत को टेस्ट कर सको, चलो अब तुम्हारी ताकत को टेस्ट करते हैं। ये बोलकर वेजिटा एक बहुत ही ज़बरदस्त अटैक हिट की तरफ शूट करता है। ये अटैक हिट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है और जैसे ही ये अटैक उसके फेस तक पहुंचता है हिट एकदम से गायब हो जाता है। वहां पर हिट के काफ़ी सारे वर्जन्स आ जाते हैं पर इनमें से सिर्फ एक ही हिट असली है। वेजिटा इतने सारे हिट्स को देखकर बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। इससे पता चलता है कि तुम्हें अपनी ताकत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हिट वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई गेम खेलने नहीं आया, ये मेरे लिए एक काम है। हिट के इतना बोलते ही वेजिटा उस पर काफ़ी सारे अटैक शूट करने लग जाता है। ये अटैक सारे के सारे डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से बने हुए होते हैं। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे हिट्स एकदम से वेजिटा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सभी के सभी एक साथ वेजिटा पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा पर चारों तरफ से अटैक हो रहा होता है और हिट की सारी शेडोज़ ने वेजिटा को चारों तरफ से घेर रखा होता है। वेजिटा सारे के सारे हिट्स के अटैक को एक साथ झेल रहा होता है और इसके बाद वो बोलता है कि मैं एक बात तो ज़रूर मानूंगा, तुमने मुझ पे जो पहले अटैक किया था वो सच में बहुत ही कमाल का अटैक था। उस अटैक में इतना ज़बरदस्त फोर्स था कि मैंने ऐसी ताकत को काफ़ी लंबे समय बाद फेस किया था। पर हाँ, तुम ये मत सोचना कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया है तो तुम मुझे हरा पाओगे। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो। सारे के सारे हिट्स लगातार वेजिटा पर अटैक कर रहे होते हैं पर वेजिटा अपने आप को बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता। वेजिटा हिट से बोलता है कि अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे तुम्हारे अटैक से कुछ नुकसान पहुंच रहा है तो तुम गलत हो। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपनी मौत का सामना करने से डरते हो। तुम असैसिन्स कुछ भी नहीं कर सकते, तुम सभी डरपोक होते हो। तुम लोग हमेशा अपने डर का सामना करने से घबराते हो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम सच में डर जाओगे। हिट वेजिटा की ये बात सुन के एकदम से चौंक जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से पावर अप कर रहा होता है और उसकी बॉडी में से चारों तरफ से डिस्ट्रक्शन की एनर्जी निकलने लग जाती है। जैसे ही वेजिटा की बॉडी में से डिस्ट्रक्शन की एनर्जी निकलती है सारे के सारे हिट के क्लोन्स एकदम से गायब होने लग जाते हैं। वो सारे के सारे क्लोन्स एक तरीके से डर से कांप रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटा की डिस्ट्रक्शन की एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। ये वेजिटा की कोई आम टेक्निक नहीं थी। हम देखते हैं कि वेजिटा के चारों तरफ एक ग्रेट एप बन जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से बना होता है। हिट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वेजिटा की डिस्ट्रक्शन की एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और ये एनर्जी प्लैनेट सडाला तक भी पहुंचती है और सभी के सभी सैयंस आखिरकार वेजिटा की एनर्जी को देखते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि पहले जो वेजिटा ने किया था वो सिर्फ एक टेस्ट की तरह था, क्योंकि वेजिटा चाहे तो वो प्लैनेट सडाला को एक ही सेकंड में ख़त्म कर सकता है। वेजिटा की इस ताकत को देखकर हिट के पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा की नई तरीके की ताकत क्या है। हम देखते हैं कि वेजिटा के चारों तरफ एक ग्रे टाइप की फॉर्म होती है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन से बनी होती है।
और इसे वेजिटा कंट्रोल कर रहा है। ये ठीक उसी तरीके की टेक्निक है जो कि गोकू ने मोरो के खिलाफ इस्तेमाल करी थी। एकदम से हम देखते हैं कि हिट चौक जाता है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा ने हिट पर अटैक कर दिया था। वो अपने दोनों हाथों के बीच में हिट को कुचलने वाला था, पर हिट अपने आप को सही समय में बचाने में कामयाब हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये क्या है। वो वेजिटा की इस टेक्निक को अभी तक समझ नहीं पाया होता। वेजिटा हिट से बोलता है कि अब बताओ कि तुम क्या करोगे। हम देखते हैं कि ग्रेट एप एकदम से अपना मुंह खोलता है और वेजिटा अपना गैलेक गन का अटैक तैयार करने लग जाता है। वेजिटा हिट से बोलता है कि तुम खुद को एक मौत का सौदागर बताते हो, पर फिर भी तुम एक बच्चे की तरह भाग रहे हो जब तुम्हारे सामने खुद मौत खड़ी है। तुम जैसे डरपोकों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देना ही सही है। इसके बाद वेजिटा अपनी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से बना हुआ गैलेक गन का अटैक एकदम से हिट की तरफ शूट करता है, पर हिट इस अटैक को बिल्कुल सही समय पर देख लेता है और सही समय पर अटैक के रास्ते में से हट जाता है। जैसे ही हिट वेजिटा के अटैक से खुद को बचाता है, वेजिटा गुस्सा होने के बजाय एकदम से स्माइल करता है। एकदम से हिट वेजिटा के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है और उसे पंच मारने वाला होता है। वेजिटा हिट को देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, बल्कि वो स्माइल कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वेजिटा के प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। हिट एक बहुत ही ज़बरदस्त शैडो पंच बनाता है और इसे ग्रेट एप वेजिटा की फॉर्म पर हिट करता है। हम देखते हैं कि वेजिटा की फॉर्म पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वेजिटा प्लैनेट सडाला की तरफ जाकर गिरने लग जाता है। जैसे ही वेजिटा प्लैनेट सडाला पर पहुंचता है, वो अपने आप को रोकता है और इसके बाद वो स्माइल करने लग जाता है। हम देखते हैं कि हिट भी प्लैनेट सडाला तक पहुंच चुका होता है और वेजिटा के सामने होता है। हिट वेजिटा को देखकर स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि सच में तुम साइंस कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते। वेजिटा हिट से बोलता है कि सच बताऊं तो मुझे भी लगता है कि तुम पूरी तरीके से बेकार नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये नहीं लग रहा होगा कि तुम इस फाइट को जीत चुके हो। हिट बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें देख के पता चल रहा है कि तुम बिल्कुल हार चुके हो। तुम्हारी ताकत खत्म हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि हिट के पैरों के पास कोई चीज़ होती है और जैसे ही वेजिटा का ध्यान उस चीज़ पर जाता है, एकदम से ये चीज़ हिट से चिपक जाती है। हिट इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। अगले ही पल हम देखते हैं कि ये वही टफल था जिसे वेजिटा ने जाने दिया था और अब उस टफल ने यानी कि डॉक्टर पाम ने हिट की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। आखिरकार काबा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। हम देखते हैं कि वेजिटा एक्सरसाइज करने लग जाता है क्योंकि वो जानता है कि नेक्स्ट राउंड बस शुरू ही होने वाला है। वेजिटा को देखकर पता चल रहा होता है कि वो इस फाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। हिट की बॉडी में पाम भी हंस रहा होता है। वो बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हें बताने में काफ़ी बुरा फील कर रहा हूँ, पर तुम अब मरने वाले हो। हम देखते हैं कि वेजिटा और हिट की लड़ाई बस ख़त्म ही होने वाली थी, पर एकदम से पाम जो कि एक टफल है, वो हिट की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और हम देखते हैं कि वो वेजिटा से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वेजिटा पाम की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि बॉडी चुरा लेने की वजह से तुम मुझसे लड़ पाओगे। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम कोई फाइटर नहीं हो। तभी एकदम से वेजिटा को कुछ महसूस होता है और वो समझ जाता है कि लगता है उसे इस फाइट को नहीं लड़ना पड़ेगा। काबा एकदम से पाम से बोलता है कि मेरे मास्टर को अकेला छोड़ दो। वेजिटा काबा से बोलता है, काबा चिंता मत करो और साइड हो जाओ, सडाला डिफेंस फोर्स इसी तरफ आ रही है और वो इसे संभाल लेगी। काबा पीछे की तरफ मुड़कर देखता है और देखता है कि काफ़ी सारे सुपर साइंस इसी तरफ बढ़ रहे हैं। पाम भी इस चीज़ को नोटिस करता है कि काफ़ी सारे सुपर साइंस उस पर अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं, पर क्योंकि अब उसने एक ऐसी बॉडी को चुरा लिया है जिसके अंदर बहुत सारी ताकत है, वो इस चीज़ को देख के स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो भी अपनी नई बॉडी को ट्राई करना चाहता है। जैसे ही सुपर साइंस पाम की तरफ पहुँचते हैं, वो एक एक करके सभी सुपर साइंस को पीटने लग जाता है और ऐसा लगता है कि उसे सुपर साइंस से लड़ने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आ रही है। पाम एकदम से घूमने लग जाता है और एक एक करके सभी के सभी सुपर साइंस को पीट देता है। वेजिटा और काबा खड़े होकर इस फाइट को देख रहे होते हैं। वेजिटा काबा से बोलता है कि वो एक बच्चे की तरह है जिसके हाथ में नई नई ताकत लगी है और वो उस ताकत को आजमाना चाहता है। काबा बोलता है कि उसे देख के लग रहा है कि उसका स्टाइल हिट से बिल्कुल अलग है। वेजिटा बोलता है, काबा उस बेवकूफ़ को बिल्कुल भी नहीं पता कि हिट की ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है। वो बस उस चीज़ पर रिलाई कर रहा है जो टफल्स ने उसे सिखाया है। हिट की बॉडी एक तरीके से उसके लिए पूरी तरीके से बेकार है क्योंकि हिट को सबसे ज़्यादा ताकतवर उसकी टेक्निक्स बनाती हैं और ये टफल उन टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए ये लड़ाई एक मजाक की तरह है। तभी हम देखते हैं कि पाम एक सुपर सैयन की तरफ बढ़ता है और एकदम से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो उसे बस मारने ही वाला होता है और जैसे ही लगता है कि उस सुपर सैयन का खात्मा होने वाला है, तभी एकदम से पाम को एक बहुत ही ज़बरदस्त किक पड़ती है। सभी के सभी सुपर सैयन देख के हैरान रह जाते हैं कि उनकी मदद करने के लिए कौन आया है। वेजिटा और काबा भी काफ़ी हैरान होते हैं और तभी हम देखते हैं कि पाम को फिर से किक पड़ती है। इस बारी ये शख्स कोई और होता है और ये किक इतनी ज़बरदस्त थी कि एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। आखिर हमें पता चलता है कि ये दोनों शख्स कौन हैं। ये होते हैं केल और कलीफ्ला। कलीफ्ला बोलते हैं कि हिट की किस्मत सच में ख़राब रही होगी, तभी वो तुम्हारे कब्जे में आ गया।
वेजिटा केल और कलीफ्ला को देख के काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो दोनों ही पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रही होती हैं और उन दोनों को एक साथ ट्रेनिंग करते हुए कुछ ही दिन हुए होते हैं, तब भी उनमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी होती है। पाम एकदम से ज़मीन पर पड़ा पड़ा स्माइल करता है और बोलता है कि लगता है तुम इस शख्स को पहले से जानते हो। मैंने सही कहा ना, लगता है काफ़ी मज़ा आने वाला है, ये काम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। एकदम से पाम ज़मीन पर अटैक करता है और केल और कलीफ्ला एकदम से हैरान रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से पाम एक टोर्नेडो बनाता है और केल और कलीफ्ला दोनों ही इसके चपेट में आ जाते हैं और उन्हें हल्की सी चोट लगती है। तभी एकदम से कलीफ्ला नोटिस करती है कि पाम उस टोर्नेडो के ऊपर से निकल के उन पर हमला करने वाला है। कलीफ्ला केल को बताती है और वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए एक साथ बढ़ जाती हैं। कलीफ्ला पाम से बोलती है कि हम तुम्हें पीट पीट के हिट की बॉडी से बाहर निकाल देंगे। वेजिटा और काबा केल और कलीफ्ला को लड़ते हुए देख रहे होते हैं। तभी वेजिटा बोलता है कि वो दोनों डरी हुई हैं, क्योंकि वो दोनों हिट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो दोनों पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुकी हैं, पर फिर भी वो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रही हैं। काबा बोलता है मैं समझ गया, वहाँ पर एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो हिट को नुकसान पहुँचाने में ज़रा सा भी ना डरे। एकदम से हम देखते हैं कि काबा अपनी एनर्जी को फोकस कर रहा होता है और एकदम से वो पावर अप करने लग जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही काबा ट्रांसफॉर्म होता है पूरे के पूरे प्लैनेट पर रोशनी फैल जाती है और हम देखते हैं कि काबा पहली बार ही सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होता है और वो भी अपनी खुद की ताकत से। एकदम से वो अटैक करने के लिए पाम की तरफ बढ़ता है। वो एकदम से पाम पे अटैक कर देता है और उसे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। पाम, केल और कलीफ्ला इस अटैक को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और पाम तो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। तभी एकदम से केल और कलीफ्ला पाम के पीछे जाते हैं और दोनों उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। काबा अब समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है और इस पंच को वो पाम को मारने वाला होता है। पाम भी समझ जाता है कि अब उसकी हालत ख़राब होने वाली है। जैसे ही काबा अपना ज़बरदस्त पंच पाम के चेहरे पर मारता है, वो बहुत दूर जाके गिरता है और एक बहुत ही बड़ी चट्टान से टकराता है। वेजिटा इस वक्त बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहा होता है, क्योंकि उसके सभी के सभी स्टूडेंट अपना असली टैलेंट दिखा रहे हैं। पाम दर्द से कर रहा होता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि सैयन इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गए। हम केल, कलीफ्ला और काबा को एक साथ खड़ा हुआ देखते हैं। ये तीनों ही इस प्लैनेट के सबसे ज़्यादा ताकतवर सैयन्स हैं और तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सुपर सैयन्स भी वहाँ पर आ रहे होते हैं। पाम दर्द से कर रहा हुआ उठने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि तुम सभी लोग मच्छर हो। तभी हम देखते हैं कि पाम के पास वेजिटा आता है और पाम वेजिटा की तरफ देखता है। एक बारी फिर से वेजिटा अपनी डिस्ट्रक्शन गॉड वाली फॉर्म में आ जाता है और पाम इस फॉर्म को देख के समझ जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। पाम बोलता है कि मुझे फिर से बोलने पर मजबूर मत करो, तुम अब बहुत ही जल्द मरने वाले हो। अचानक से ही कुछ होता है और हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से पाम पे हमला कर चुका है। हम देखते हैं कि इस पंच की वजह से पाम की जान निकल जाती है और हिट के मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हिट की बॉडी एकदम से बेहोश हो जाती है और वेजिटा जो करना चाहता था वो आखिर वो कर चुका है। पाम हिट की बॉडी से बाहर निकल जाता है। हिट की बॉडी की इतनी ज़बरदस्त तरीके से धुलाई कभी नहीं हुई होती और वो भी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। वेजिटा देखता है कि हिट बेहोश हो चुका है। वेजिटा को लगा होगा कि शायद हिट उसके पंच को झेल पाएगा, पर हिट भी उसके पंच को नहीं झेल पाया, यानी कि वेजिटा ने ज़ोर से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर दिया होगा। इसके बाद वेजिटा पाम की तरफ देखता है जो कि ज़मीन में धूल में पड़ा हुआ होता है और वेजिटा एकदम से एक अटैक बनाने लग जाता है। पाम इस अटैक को देख के हैरान होता है और वेजिटा ये अटैक एकदम से पाम पे शूट कर देता है। वेजिटा बोलता है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारे जैसे जीवों को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। एकदम से वेजिटा हकाए बोलता है और पाम हमेशा हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस से मिट जाता है। हम देखते हैं कि उसका नामोनिशान भी नहीं बचता और वेजिटा पीछे मुड़कर देखता है। हिट आखिरकार होश में आ चुका होता है और वो खड़ा होने की कोशिश करता है। वेजिटा उसकी तरफ भी एक अटैक बनाता है और हिट को देखकर वो स्माइल कर रहा होता है। हिट बोलता है कि अच्छा, यानी कि उस वक्त भी तुम्हारे पास लड़ने की ताकत बची थी। वेजिटा बोलता है कि सच बताऊं तो इस ताकत की कोई लिमिट ही नहीं है, तुम्हारे पास मेरे से जीतने का कोई मौका ही नहीं था। वेजिटा एकदम से पावर डाउन कर लेता है और अपना हाथ भी नीचे कर लेता है। वो हिट को एक और मौका देना चाहता है ताकि वो वहाँ से जा सके। वेजिटा हिट से बोलता है कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी जॉब को कंप्लीट कर पाओगे। तुम्हारे अंदर एक फाइटर की स्पिरिट है, अपने फाइटर स्पिरिट का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना। हिट वेजिटा की तरफ देखता है और समझ जाता है कि ये वो वेजिटा नहीं है जिससे वो पहले लड़ा था। वो स्माइल करता है और वहाँ से गायब हो जाता है और वेजिटा भी समझ जाता है कि हिट को समझ आ गया है कि ये फाइट अब ख़त्म हो चुकी है। काबा बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है, वेजिटा पर आपने हिट को उस चीज़ से कैसे बचाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वेजिटा बोलता है कि उस टेक्निक का नाम है फोर्स स्पिरिट फ्यूजन, और चिंता मत करो, ये टेक्निक मैं तुम सभी को सिखाने वाला हूँ ताकि तुम इसका इस्तेमाल टफल्स के खिलाफ कर सको। तभी वहाँ पर वेजिटा को एक बहुत ज़्यादा फैमिलियर आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि बहुत बढ़िया वेजिटा,
मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड बीरस को पसंद आएगा कि तुम उनके ब्रदर के यूनिवर्स में अपना काम कर रहे हो। इसके बाद वेजिटा मुड़कर देखता है और ये होता है वीस। वीस यहाँ पर वेजिटा से मिलने आया है। वीस बोलता है कि लॉर्ड बीरस ने तुम्हें हकाइशिन बनने का ऑप्शन दिया था जब तक वो सो रहे हैं, और तुम भी जानते हो कि उनका काम सिर्फ यूनिवर्स 7 में है और तुम इस वक्त यूनिवर्स 6 में हो, और अगर तुम यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है उन्हें बुरा लग जाए। वेजिटा बोलता है, वीस मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वीस बोलता है कि मैं तो अपना काम ही कर रहा था, पर तभी अचानक से मुझे तुम्हारी वाइफ से एक मैसेज आया। ऐसा लगता है कि बुलमा जैको के साथ जिस एडवेंचर पर गई थी वो थोड़ा सी दिक्कत में आ गया है। वो दोनों ही एक एडवेंचर पर गए थे वेस्टर्न गैलेक्सी के एंड में। वो कुछ ऐसी नॉलेज की तलाश में गए थे जिसके बारे में लॉर्ड जूनो भी नहीं जानते। ये देखो, बुलमा ने मुझे तुम्हारे तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए बोला था। वीस इसके बाद बुलमा का मैसेज दिखाता है। बुलमा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। बुलमा बोल रही होती है, वीस मुझे जल्दी से वेजिटा का पता लगा के दो, मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है। ये इडियट जैको कुछ भी नहीं कर सकता, ये पूरे तरीके से बेकार है। मुझे नहीं पता कि इस बेवकूफ़ के साथ मैं कितना समय और काट सकती हूँ। मुझे जल्द से जल्द वेजिटा की मदद की ज़रूरत है। वेजिटा एकदम से बुलमा का मैसेज सुन के हैरान रह जाता है। वीस बोलता है कि तो ये रहा बुलमा का मैसेज, पर हाँ एक बात मुझे काफ़ी अजीब लगी, बुलमा काफ़ी ज़्यादा जवान लग रही है अपनी उम्र के हिसाब से। वेजिटा बोलता है कि बुलमा ने ड्रैगन बॉल से एक विश मांगी थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए जवान रह सके। वीस बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, चलो मेरा काम यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद वीस अपने स्टाफ को एकदम से ज़मीन पे मारता है, और हम देखते हैं कि वेजिटा के हकाइशिन वाले कपड़े एक बार फिर से उसके ऊपर आ जाते हैं, और ये कपड़े बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक होते हैं। वीस बोलता है, वेजिटा मैं तुम्हें गुड लक बोलना चाहूँगा ताकि तुम अपनी वाइफ बुलमा की मदद कर सको। वेजिटा इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और वीस एकदम से वहाँ से निकल जाता है। काबा समझ जाता है कि वेजिटा का वहाँ से जाने का समय आ गया है। वो बोलता है, वेजिटा मैं जानता हूँ आप चाहते हो कि साइंस इतने बेहतर बने जितने वो बन सकते हैं, भले ही आप दिखाते नहीं हो पर आप साइंस की काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हो, और आप सिर्फ इसी वजह से इस प्लैनेट पर आए हो। अंदर ही अंदर आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हो। जब तक आप वापस नहीं आओगे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक साइंस की ट्रेनिंग नहीं रुकेगी मैं उसे कंटिन्यू करूँगा, और ये मेरा आपसे वादा है कि साइंस की ट्रेनिंग नहीं रुकेगी। वेजिटा मुड़कर काबा की तरफ देखता है पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। वेजिटा हमेशा की तरह ऐसा ही दिखाता है जैसे कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपने क्यूब में बैठ के उस प्लैनेट से निकल जाता है, और अब वो अपनी नई जर्नी पर जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ वेजिटा की सडाला जर्नी ख़त्म हो जाती है। अभी वेजिटा के एडवेंचर्स ख़त्म नहीं हुए हैं, पर ये स्टोरी अभी कुछ समय के लिए हायटस पे है, और जैसे ही ये स्टोरी वापस लौटेगी मैं आपके लिए इसके चैप्टर्स लेकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।